वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, हमने टॉप एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत कर दी है और टॉप एमसीक्यू सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है इंडियन हिस्ट्री। जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई जो टॉपिक डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास को, वो डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम यह देखेंगे कि भाई वो क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है, और डील करने के अलावा उसमें जो कॉन्सेप्ट है और उसके एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम पूरे उस विषय को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में पहले मैं आपको एक बार चीजें बता दूंगा कि भाई भारतीय इतिहास को हम कैसे पढ़ने वाले हैं और कैसे इसके क्वेश्चन के साथ साथ हम पूरे टॉपिक को सरल माध्यम से समझते जाएंगे और आपके कोर्स को भी कंप्लीट करा लिया जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास से। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहला आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सर, ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसे इतने बड़े टॉपिक को हम पढ़े कैसे, समझे कैसे? क्योंकि भाई हम देखते हैं कि कभी भी इतिहास का नाम आता है तो इतिहास का नाम आते ही आपको लगता है कि इतिहास यानी वर्ष वर्ष, ईयर ईयर, 1938, 1947 तो 2019, इस प्रकार से आपको सालों साल इतने सारे ईयर याद करने में दिक्कतें जाती हैं। तो उन्हीं माध्यमों को, उन्हीं चीजों को आपको बताया जाएगा कि भाई आपको कौन सी चीजों को याद करना है, कौन से ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कौन सा आपके लिए, कौन से राजा को आपको विशेष रूप से जानना होता है। ये नहीं कि हम पूरे के पूरे चीजों को पढ़ते चले गए और दिमाग में हमारी बहुत सारी चीजें बनती गई और हमें अंत में जब एग्जाम के दिन में हम गए तो यही इतिहास हमें बर्डन लगने लग जाता है। तो हमारा प्रयास यही है कि आप जिस भी दिन एग्जाम में पहुंचे तो एग्जाम में पहुंचने के बाद आपको कम से कम इतिहास का यह विषय आपको बर्डन या भार ना लगे, क्योंकि भाई आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आप वन डे एग्जाम दे रहे हैं तो उस वन डे एग्जाम में आपको चार ऑप्शन भी रहेंगे, यानी आपके सामने आंसर है, उस आंसर में आपको करेक्ट आंसर पहचानना है। बस इन्हीं चीजों को तो जानना है। आप करेक्ट आंसर कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, वही तो हम जानेंगे टॉप एमसीक्यू सीरीज में। क्लियर है? ठीक, तो पहले हम समझेंगे भारतीय इतिहास के इस सिलेबस को। सिलेबस के बाद मैं टॉपिक को शुरू करूंगा और टॉपिक शुरू करने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम लोग चीजों को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं इतिहास, ये जो शब्द हम देख रहे हैं इतिहास, इस शब्द को पहले हमें समझना होगा कि भाई इतिहास का अर्थ क्या होता है, हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है। इतिहास, इतिहास उसे कहा जाता है कि जो भाई बीता हुआ जो समय है, उस बीते हुए समय का अध्ययन जो आज हम वर्तमान में कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, वही तो क्या है, इतिहास है। जैसे पहले के टाइम में हुई चीजें, पहले के समय में बने स्मारक, पहले के बने समय में मूर्तियां, पहले के मिले हुए अवशेष, उनका प्रेजेंट टाइम के इतिहास कर क्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं आपको इतिहास की पुस्तकों में भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सिंपल और सरल भाषा में इसकी परिभाषा को जानेंगे, यानी कि बीते हुए समय का अध्ययन अगर हम वर्तमान में कर रहे हैं तो वही क्या है, आपका इतिहास है। बस इतना सही अर्थ आपको जानना है, ज्यादा आपको एकदम ऐसा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आपको वन डे एग्जाम फेस कर रहे हैं, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। चलिए, ये तो हो गया इतिहास का अर्थ। अब इतिहास के अर्थ के अलावा इस इतिहास को हम लोग कैसे क्रमिक रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि भाई इतिहास इतना विशाल है, जब से धरती बनी
और जब से मनुष्य आया धरती पर वहां से इतिहास का क्रम शुरू हो जाता है। और आज 2023 तक हम देख रहे हैं कि इतिहास का क्रम चला आ रहा है। ठीक, तो हमको इस चीजों को समझना है। तो भाई इतिहास को पढ़ें तो पढ़े कैसे, तो इन्हीं चीजों पर ध्यान देते हुए इतिहासकारों ने क्या किया, इतिहास को कुछ अलग अलग भागों में बांट दिया ताकि आपके लिए वो क्या हो जाए, सरल हो जाए। अलग अलग भागों में बांटना समझ गया आप? जैसे आपको बचपन में आपकी मम्मी, आप खाना नहीं खाते थे, मम्मी क्या करती थी, चावल की छोटी छोटी लोई बना के आपको देती थी कि भाई बेटा खा ले, है ना। तो यही तरीका है इतिहास को भी, इतना बड़ा जो इतिहास है आपको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया गया है ताकि आप धीरे धीरे करके चीजों को समझते जाएं और आपकी चीजें भी कंप्लीट हो जाए, आपका विषय भी पूरा हो जाए। चलिए, तो यहां पर इतिहास का भी हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, और इतिहास के विभाजन के साथ जानेंगे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से विषय को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं इतिहास को हम देखें तो इतिहास का विभाजन मुख्य रूप से तीन पार्ट में किया गया है, तीन भाग में इतिहास का विभाजन तीन भाग में किया गया। इसमें सबसे पहला है जिसे हम प्राग इतिहास कहते हैं, प्राग इतिहास। इस प्राग इतिहास को हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्लियर है, प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री। क्लियर। अगला जो है, प्राग इतिहास के बाद आपको मिलेगा आद्य इतिहास, आपको मिलेगा आद्य इतिहास, या इसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसे हम कहते हैं क्या, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के बाद आपको मिलेगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज। अब सबसे पहले ये जो तीन विभाजन आप देख रहे हैं, या तीन विभाजन का आधार क्या बना, इसी पर एक क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे उन चीजों को। पहले चीजों को समझिए कि प्राग इतिहास, आद्य इतिहास हो या ऐतिहासिक काल, ये विभाजन कैसे हुआ। तो ये विभाजन का आधार बना इतिहास में मिली हुई वस्तुएं। तो इतिहास में हमें क्या क्या मिले, पत्थर मिले, फिर तांबे मिले, फिर लोहे मिले। इसके अलावा शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि हमें केवल और केवल क्या मिला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले। पत्थर वत्थर जैसे मिल गए, कहीं कुछ आपको शैल चित्र मिल गए, यही सब चीजें मिलती चली। तो ये बात उस समय की है जब इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था, बिल्कुल घुमंतु जीवन जीता था, यहां वहां खाना बदोश की तरह जीवन व्यतीत करता था और शिकार करता था, है ना। यानी इंसान क्या था, अनसिविलाइज था, असभ्य था। अब इसी असभ्य मनुष्य कोई सभ्य बनने की कहानी है ये। तो असभ्य जो मनुष्य है वह आपको कहां देखने मिलेगा, वह देखने मिलेगा आपको इस प्राग इतिहास में, प्राग इतिहास में। इस प्राग इतिहास में हम जानते हैं कि भाई जो आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, किसी प्रकार से आपको लिखित रूप में साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि भाई वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, कोई स्कूल थोड़ी था भाई उस टाइम पे, कि चले गए पढ़ लिए कुछ कर लिए, या गवर्नमेंट ने आत्मानंद स्कूल खोल दिया तो वहां जाकर पढ़ लिए। ऐसा कुछ व्यवस्था होता तो वो लोग भी पढ़ लेते, बट उस समय वैसा कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई जो प्राग इतिहास का जो दौर था, इस समय पर हमें कोई भी रिटर्न एविडेंस, लिखित साक्ष्य, प्राप्त नहीं हुए हैं, और जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य आपको प्राप्त हुए। तो क्या प्राप्त हुआ है आपको, तो आपको प्राप्त हुआ है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब आप बोलेंगे सर ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता क्या है, तो भाई आदि मानव कुछ न कुछ चीजों का उपयोग करता था, जैसे मैंने बोला था पत्थर का उपयोग कर लिया शिकार करने के लिए, जैसे शैल चित्र बना लिया, या किसी गुफा में वो रहता रहा होगा। तो ये सब जो जानकारियां हैं वही तो क्या है भाई, साक्ष्य है। ठीक, तो उसे ही तो हम क्या कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक साक्ष्य कह रहे हैं। इसी को हम कहते हैं प्राग इतिहास, जिसमें आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।
चलिए अगला जो विभाजन है वह क्या है, आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। तो ये आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री क्या है, तो ये आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री के समय हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गए, लिखित साक्ष्य रिटर्न एविडेंस प्राप्त हो गए। बट होता है ना कि बचपन में बच्चे क्या लिखते हैं क्या बनाते हैं समझ ही नहीं आता, वही स्थिति था भाई यहां पर भी वही स्थिति था आद्य इतिहास वाले। आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री में हमको देखने मिलता है कि वह इंसान जो लिख कर गया उसकी बातों आज तक इतिहास का समझने का प्रयास कर रहे हैं बट समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए, इस आद्य इतिहास के टाइम को अलग कर दिए जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री कह रहे। तो लिखी साक्ष्य यहां पर प्राप्त हो रहे हैं बट लिखा क्या है उसे हम समझ नहीं पाए हैं, यानी अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि क्या लिखा है उसे हम समझ सके बट समझ नहीं पाए। अगला जो है जो आपको ऐतिहासिक काल देखने को मिल रहा है हिस्टोरिकल एज, यही जो काल है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से आपको लिखित साक्ष्य मिलने प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेंगे लिखित साक्ष्य, यहां पर आपको मिलेंगे लिखित साक्ष्य और इस लिखित साक्ष्य को आप पढ़ भी लेंगे। और आज के समय में जो मंत्रों में गायत्री मंत्र में या अन्य वेदों में पूजा जो हो रही है उन सब मंत्रों में जो लिखी हुई बातें आपको देखने मिली यहीं से मिली है। यानी हिस्टोरिकल एज की जो शुरुआत होगी वो होगी वैदिक काल से ही, यानी चार वेदों के बारे में आज भी हम लोग देखते नहीं देखते भाई, है ना, देखते हैं तो उनका निर्माण हुआ और आज भी हमारे पास है। यानी जो रिटर्न एविडेंस आपको प्राप्त हुआ वह रिटर्न एविडेंस को आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं बोल सकते हैं गा सकते हैं सब चीजें कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ भाई, जो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो ये सबसे पहला विभाजन, विभाजन प्राग इतिहास आद्य इतिहास ऐतिहासिक काल, यह है विभाजन। क्लियर है, ठीक है। ये मैं आपको सबसे अभी क्या है, ये जो इतिहास का आप क्या देख रहे हैं जो अभी जुड़े होंगे या जो वीडियो को देख रहे होंगे उनको मैं बता देना चाहूं कि ये हम लोग बस अभी सिलेबस केवल सिलेबस जान रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं इतिहास का पहला पन्ना खोलते हैं, पहला पन्ना देखे जरूर बट पहले पन्ने में क्या बताया क्या जानकारी था वो देखे ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आया और उन्होंने पुस्तक खोला और पुस्तक को तुरंत बंद कर दिया। जय श्री राम, इस प्रकार से। क्लियर है, ठीक। तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान देनी होंगी। क्लियर, इसको पहले समझना होगा फिर हम लोग अपने एमसीक्यू पर जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू के साथ ही हमको क्वेश्चन को डील करना है, क्वेश्चन को डील करते हुए उसके एक्सप्लेनेशन पर जाना है और वहीं से मैं आपको समझाना भी चालू करूंगा। ठीक है, चलिए अब ये प्राग इतिहास को हमने देखा कि यहां पर लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पुरातात्विक साक्ष्य मिला। आद्य इतिहास में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है बट इसे हम लोग समझ नहीं पाए हैं। ठीक, ऐतिहासिक काल में गए हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ और इसे हम समझ भी पाए हैं। क्लियर है, एक एक करके हम लोग चीजों को देखते चलते हैं। प्राग इतिहास यानी कि इसे हम जानते हैं आदि मानव के काल से या पाषाण युग के नाम से, स्टोन एरा, सिंपल सा वर्डिंग मैंने दे दिया, स्टोन एरा ही प्राग इतिहास है। क्लियर, अगर आद्य इतिहास को देखता हूं तो आद्य इतिहास जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सभ्यता है वही तो आएगा क्या आद्य इतिहास में, क्योंकि हड़प्पा कालीन आपको जो लिखी हुई चीजें मिली हैं उसे हम नहीं समझ पाए। और उसके बाद ऐतिहासिक काल में जैसे ही हम आएंगे, तो यहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होने चालू हो जाएंगे और यहीं से शुरू हो जाएगा क्या वैदिक काल। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। इस घटनाक्रम को कुछ अगर हम काल विभाजन में करना चाहें, टाइम में बांटना चाहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं पांच लाख ईसा पूर्व से 5000 से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक के समय को हम प्राग इतिहास में रख सकते हैं। क्लियर, इसके बाद आद्य इतिहास या कांस्य युग, इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, इसे हम लिख सकते हैं 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। क्लियर है, ये हो गया आद्य इतिहास का एक टाइम पीरियड। इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल जो है आपका 3000 ईसा पूर्व से चला आएगा वर्तमान तक।
वर्तमान तक हम बोल सकते हैं या वर्ष 1947 तक हम ले सकते हैं। क्लियर? ठीक, ये पूरा हिस्टोरिकल एज आ जाएगा। डन यहां तक चीजें। अब यहां पर जो आपका हिस्टोरिकल एज है, जो हिस्टोरिकल एज है, उस हिस्टोरिकल एज को हम देखें तो इस ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, तीन भागों में कैसे बांटा जाएगा? तो तीन भागों में सबसे पहले आपको मिलेगा एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। सबसे पहले क्या मिलता है आपको? प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। इसके अलावा प्राचीन भारत के बाद आपको मिलेगा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के बाद अगला है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, यही चीजों को तो आप हमेशा देखते हैं और वही हिस्टोरिकल एज का पार्ट है। इन्हीं तीनों को आप देखते हैं हमेशा से, एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, मेडाइवल इंडिया पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है ना भाई, ऐसी तो बांटा गया है ना। तो ये जो प्राचीन भारत है, ये प्राचीन भारत वैदिक काल से शुरू हो जाएगा। वैदिक काल के बाद इसी में आप महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं, आगे चल के सातवाहन, गुप्त वंश के बारे में इसी प्राचीन भारत में पढ़ा जाता है। ठीक, इसके बाद मध्यकालीन भारत में जैसे ही आएंगे तो आप देखते हैं अरबों का आक्रमण होता है, मुस्लिम शासक हमारे देश में आते हैं और मुस्लिमों का एक पूरा काल आपको एक दिखेगा। क्लियर? कि यहां पर मुस्लिम शासक क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। इसी में हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में ही, मेडाइवल इंडिया में ही, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, यही दो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत की तरफ हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, वो कहां हो गया आपका? मध्यकालीन भारत। इसके बाद जो है आपका अगला है आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। यह आधुनिक भारत जो है, जब आपका मुगलों का समय चलता रहेगा, अंतिम जो कमजोर शासक आएंगे उन्हीं के टाइम पीरियड के बाद आप देखेंगे कि यूरोपियों का आगमन होगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, और यूरोपियों के आगमन के पश्चात ही आधुनिक भारत की नींव रख दी जाएगी और आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि उन्हीं यूरोपियों में भारत में शासन करने वाले अंग्रेज आ जाएंगे। ठीक है, तो वही क्या देखने मिलेगा आपको? आधुनिक भारत के रूप में। आधुनिक भारत के बाद एक और विभाजन हमें यहां पर देखने मिलता है, जिसे हम कहते हैं समकालीन भारत। समकालीन भारत क्लियर है, जिसे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम तक का समय को बोल सकते हैं, यानी 1947 के बाद का समय समकालीन भारत कहलाता है, जो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी के सिलेबस में तो नहीं है, यूपीएससी में हम लोग कहीं ना कहीं चीजों को पढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर ये आपका विभाजन हो गया ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल का एक विभाजन मैंने बता दिया कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये आपका सिलेबस हिस्टोरिकल एज में रहेगा। आज के जो क्लास में जिन एमसीक्यू, जिनके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, वो दो टॉपिक के रहेंगे आपके, प्राग इतिहास के और आद्य इतिहास के। यानी हमको हड़प्पा के बारे में जानना है और कुछ क्वेश्चंस पाषाण काल के बारे में भी जानेंगे। ठीक, यहां पर आपको थोड़ा प्रश्नों का भी एक विभाजन मैं बता दूं कि कहां कहां से कैसे प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको अगर इतिहास पढ़ रहे हैं, इतना लंबा समय हम लोग देखने वाले हैं, इतने लंबे समय तक इनका शासन, राजाओं के बारे में पढ़ना है, यहां रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ना है, सभ्यता के बारे में जानना है, सब चीजों के बारे में जानना है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां कहां से कितने आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं प्रियोरिटी में देता हूं आपके लिए आधुनिक भारत को। सबसे पहले प्रियोरिटी में रहेगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को, सीजीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अभी इस साल के 2023 में ही आपने देखा कि कुछ ऐसे प्रश्न आ गए, ठीक है, जो छात्र दिए हैं और जो छात्र नहीं दिए, ध्यान दीजिएगा कि भाई जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे आप जरूर आकलन कीजिए, उसे जरूर एनालिसिस कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो इस वर्ष पेपर हुआ, उस सब पेपर में देखा गया कि भाई जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई था। ठीक है,
तो आपको उस टफ क्वेश्चन से नहीं डरना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन टफ था उससे नहीं डरना है। आपका मेन ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, ठीक है। और जरूरी यह भी नहीं है कि भाई पांच क्वेश्चन अगर आपके आधुनिक भारत से हैं तो पांचों पांचों आपसे बने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसे छात्र ना बना पाए, इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन को स्किप भी करेंगे, यही आपका स्मार्ट वर्क है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से देखने मिलेंगे, आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत के बाद अगला जो मैं बोलूंगा कि भाई जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहां महत्वपूर्ण चीजें चालू हो जाती है, जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म हमेशा एक क्वेश्चन जैन धर्म बौद्ध धर्म से देखने को मिलेगा। इसके अलावा मौर्य काल से भी एक प्रश्न आपके लिए हमेशा रहेगा और गुप्त काल से एक प्रश्न आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत को, कभी भी अगर आप रिविजन करते हैं तो ट्राई कीजिएगा आधुनिक भारत पहले देख लीजिए, ताकि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो रिविजन कर रहे हैं वो चीजें याद हो जाए। उसके बाद देखिए आप एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत को देख लीजिए, और प्राचीन भारत के बाद जो मध्यकालीन भारत है वहां से एक दो प्रश्न आपको देखने मिलते हैं। या यहां पर अगर मैं कहूं 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में यहां से अगर मैं बोलूं कि 5 क्वेश्चन यहां देखने मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन यहां, तो एक क्वेश्चन यहां पर आपको मध्यकालीन भारत से भी देखने मिल सकते हैं, और एक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं आदि इतिहास या प्राग इतिहास से आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विभाजन रहता है। तो हर साल पेपर जरूरी नहीं है कि भाई आपका क्वेश्चन वैसा ही है, कभी कभी इतिहास के प्रश्न ज्यादा आते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमें एक जो रास्ता है वो एक समान रास्ता बना के चलना है कि भाई इतिहास भी पढ़ रहे हैं उतना ही अन्य सब्जेक्ट को भी आपको विषय को भी टाइम देते चलना है, वरना इतिहास इतिहास इतना ज्यादा विशाल है कि इसका कोई छोर नहीं है ना कोई इसकी सीमा है, क्लियर, ठीक। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई जो आपका मैंने बताया कि भाई सबसे ज्यादा प्रश्न यही आने हैं, तो शुरुआत में जो आपके टॉपिक दिख रहे हैं प्राग इतिहास और आदि इतिहास, यहां से अभी इस वर्ष प्रश्न हमको देखने मिले थे, इसमें प्राग इतिहास के प्रश्न आ गए थे और आदि इतिहास के भी प्रश्न हमको देखने मिले। तो भाई जो प्राग इतिहास का जो दौर है, ठीक है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन बना लेते हैं, ताकि ये प्राग इतिहास के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको डील करने में दिक्कत ना जाए और आपको आगे चलकर पढ़ने में इसकी समस्या नहीं, क्योंकि भाई इतिहास का जो पहला जो स्टार्ट होता है वो यही प्राग इतिहास से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग भी थोड़ा सा प्राग इतिहास को समझते हैं। प्राग इतिहास को हम अगर देखें तो इस प्राग इतिहास को भी हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, प्राग इतिहास को हम तीन भाग में विभाजित करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया प्राग इतिहास में आपको पाषाण काल मिलेंगे, पाषाण काल, तो पाषाण काल में सबसे पहला आपको मिलेगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल सबसे पहला आपको मिलेगा पूरा पाषाण काल, जिसे हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ मैं ऐसे टर्म्स बोलते रहूंगा, उन चीजों को आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक, पूरा पाषाण काल हिंदी में। दूसरा हमें मिलेगा मध्य पाषाण काल, दूसरा हमें देखने को मिलेगा मध्य पाषाण काल, ठीक है, मीजोलिथिक एज, क्लियर। तीसरा हमें देखने मिलेगा नव पाषाण काल नियोलिथिक एज, क्लियर है। हर जगह एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है पाषाण, यानी पत्थरों का युग है पूरा, क्लियर। इस समय कोई धातु की खोज नहीं हुई थी, केवल पत्थर, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है, जिसे हमने क्या किया है, घटनाक्रम के अनुसार बांटा है कि जो जो चीजें होती गई आदि मानव के साथ और कैसे वो विकास के क्रम में बढ़ते चला गया, उन्हीं चीजों के आधार पर इसे बांटा गया, ठीक है। चलिए अब इस पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज की कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूं, ताकि आगे जब हम प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं उस प्रश्नों पर आप उन चीजों को कैसे देखेंगे और क्या क्या चीजों पर हमारी चर्चा होगी। बहुत ज्यादा डीप या टफ क्वेश्चंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, केवल यहां से प्राग इतिहास से हमेशा ये प्रश्न आते हैं कि
यहां पर जो इंसान के उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं किस स्थान पर मिली है, या कोई शैल चित्र है कहां पर मिला है, कोई चीजें गुफा जो था आदिमानव रहता था वो गुफा कहां पर है, यही सब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो पुरापाषाण काल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यह पुरापाषाण काल में जो इंसान था, इंसान केवल अपनी भूख मिटाने के लिए, शिकार किया करता था और एक शिकारी जीवन यह जीता था। जहां उसे शिकार मिला उस तरफ वो निकल जाता था, यानी घुमंतु जीवन जीता था, नोमैडिक लाइफ, ठीक है, घुमंतु जीवन, यहां से वहां विचरना, यही उसकी खासियत थी, क्लियर। इसके अलावा क्योंकि भाई ये जो शुरुआती दौर था पुरापाषाण काल का जो टाइम था, आइस एज यानी बर्फ का युग था, बर्फ ही जमे हुए थे सब जगह, ठीक है, बर्फ यानी हर जगह बर्फ ही बर्फ होते थे। तो भाई बर्फीले जो चीजें थी यानी बर्फ, यानी अगर बर्फ जमा हुआ है तो ये जब किसी जानवर को मारता था तो जानवर को लाकर स्टोर भी कर लेता, इकट्ठा कर लेता था, क्योंकि भाई बर्फ होने के कारण मांस जो है सड़ता नहीं था, इसलिए वो करीबन 10-20 दिन उसे खा भी लेता था, क्लियर है। तो शिकार करने के साथ साथ ये शिकारी जीवन जो व्यतीत किया उसके अलावा खाद्य संग्राहक युग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह क्या किया है, फूड को कलेक्ट किया, खाने को कलेक्ट करता था। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि खाद्य संग्राहक युग हम किसे कहते हैं, क्लियर। तो ये पुरापाषाण काल ही क्या है, खाद्य संग्राहक युग है, ठीक है, एकदम बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं मैं, है ना, आप लोग इसे क्वेश्चन के रूप में समझिए, है ना, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं अगर बने तो, ठीक है, बने यहां से वैसे क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है बट बन गए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2-3 पॉइंट बताए, शिकारी जीवन बताया इंसान का, खाद्य संग्राहक, और शिकार करने के लिए अभी जिन पत्थरों का उपयोग करेगा वो होंगे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से वो शिकार किया करता, क्योंकि भाई जानवर उतने फुर्तीले नहीं थे, नॉर्मल जानवर होते थे, बड़े बड़े जानवर होते थे तो शिकार आसानी से करते बन जाता था, ठीक है। शुरुआती जीवन में आदि मानव जो है, ठीक है, पुरापाषाण काल के दौर में जो मैंने बताया शिकार किया, अब आगे चलकर धीरे धीरे जब उसके आसपास के शिकार खत्म होने लगे, तो शिकार खत्म होने लगे तो उसको लगा कि भाई अगर मैं पूरे जानवरों को ही खत्म कर दिया, पूरे जानवरों का शिकार कर लिया, मान लो भाई ये 5-6 किलोमीटर का या एक कोई जिले में वो आदि मानव रहता रहा होगा, किसी जंगल में, बस्तर कोई मान लो, चलो बस्तर में वो दौड़ा दौड़ा के पूरे जानवर खत्म कर डाला, एक जानवर नहीं बचा, क्या खाएगा बेचारा, है ना, समस्या, रोजी रोटी खाने के लिए जी रहा है आदमी, इसी टाइप का तो है उस समय, है ना, आदमी उतना अभी ये नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ। तो वहां पर उसे खाने की समस्या जब आने लगी तो उसने सोचा कि भाई अब ये खाने की समस्या के निदान किस प्रकार से किया जाए, तो उसने बोला कि भाई चलो अब ये जानवरों को थोड़ा मैं क्या करना चालू करूं, पालना चालू कर, ठीक है। जब पालने की बात आई, जानवरों को पालने की बात आई, इसी को बोलते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। और जैसे ही मैंने पशुपालन का नाम लिया आप पहुंच गए मध्यपाषाण काल, पशुपालन का नाम लेती कहां पहुंच गए, मध्यपाषाण काल में आप पहुंच गए, ठीक है। तो इस मध्यपाषाण काल में हमने देखा कि पहली बार इंसान ने क्या किया, पशुओं को पाला, ठीक। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि पहला ऐसा कौन सा पशु था जिसे इंसान ने पाला था, ठीक है, पहला पशुपालन है किस इंसान, किस जानवर को इंसान ने पाला था, उस जानवर का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक। तो यहां पर मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, जानवरों को इसने पालना शुरू किया। साथ ही साथ यहां पर अब मान लो कभी किसी जानवर का शिकार करना है तो क्योंकि जानवर अब थोड़े छोटे होते जा रहे और फुर्तीले भी होते जा रहे, तो फुर्तीले जानवर को मारने के लिए या शिकार करने के लिए उसने कुछ छोटे छोटे पत्थरों से हथियार बनाना चालू कर दिया, छोटे छोटे पत्थरों से, ठीक है। पहले बड़े पत्थर आपको मिले पुरापाषाण में, मध्यपाषाण में छोटे पत्थर और थोड़े पॉलीजार पत्थर आपको देखने मिले, क्लियर। ये बातें हो गई कहां, मध्यपाषाण काल की, बिल्कुल कहानी के रूप में समझिए मैं क्या बता रहा हूं, पशुपालन कैसे चालू हुआ मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में बिल्कुल वो ऐसा जीवन जीता था कि भाई आज मारे खाए पिए बस सो गए, इसके अलावा कुछ उसको पता नहीं था। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा तब तो पशुओं को पाल रहा है। अब आगे चलकर जब नवपाषाण काल में हम लोग आते हैं तो यहां देखने मिलता है कि भाई इंसान के पास एक और समस्या, समस्या ही समस्या जीवन में, कैसे करोगे, है ना, समस्या बगैर कुछ नहीं, और समस्या का समाधान कौन देगा, यही मनुष्य देगा, ठीक है। आज आप
इतने प्रगतिशील रूप में यानी आप इतने बुद्धिमान हो गए हैं, है ना, कि सब चीजें आप अच्छे से कर ले रहे हैं, व्यवस्थित रूप से कर ले रहे हैं, है ना। तो वो जो एक प्रगति का दौर चला है ना, वो इंसान यहीं से शुरू है कि भाई इंसान जो घर बनाना भी नहीं जानता था, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, इमारत बना लिया, ताजमहल बना लिया, कुतुब मीनार बना लिया, सब बना लिया, ठीक है। बट एक क्रम में वो बढ़ा है, ठीक है। अब उसे समझ में आ रहा है जैसे समस्या, वो वैसा वैसा उसका सॉल्यूशन। तो यहां पर नवपाषाण काल में सॉल्यूशन क्या चीज का आएगा, तो यहां पर यह हुआ कि इंसान ने अपनी भूख मिटाने के लिए जानवर की हत्या करनी चालू की। अब जानवरों को उसने पालना चालू कर दिया था, पशुपालन चालू हो गया था। अब पशुपालन के साथ साथ अब पशुओं को खिलाना तो पड़ेगा ना भैया, अब खुद को भी खाना पड़ेगा। जानवर को तुरंत बकरी पाला है, बकरी तुरंत मार के खा लेगा, ऐसा नहीं है ना भाई। बकरी खिलाएगा, बड़ा बड़ा करेगा, तब तो थोड़ा खाएगा उसको भाई, बाद में आराम से व्यवस्था देख के, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, जानवरों को पालना शुरू किया, ठीक। जानवर को पाला तो उसे खिलाना पड़ेगा और खुद को भी खाना पड़ेगा। तो जानवर को खिलाने के लिए, खुद को खिलाने के लिए वो शुरू करेगा एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत करेगा, ठीक है। यहीं से उसके मन में विचार आया कि भी कृषि होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए। और जैसे ही मैंने एग्रीकल्चर का नाम लिया, आप पहुंच गए कहां, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल से खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। समझ में आया चीजें भाई, है ना। तो एकदम बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में जा रहे हैं हम लोग, शिकारी युग, खाद्य संग्राहक युग, पशुपालन, मध्यपाषाण, छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग, नवपाषाण काल, खेती, कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अब चालू हो जाएगा, जमीन में एक एकड़ दो एकड़ खेत में बुआई कर दिया है। अब ऐसा तो नहीं है भाई वो अभी भी आदि मानव जो है घुमंतु की तरह जीवन जीते रहेगा भाई, बारी बकरी बना लिया है तब उसके देखने के लिए तो उसको वहीं रहना पड़ेगा ना भाई। अब यहाँ पे परमानेंट सेटल हो जाएगा, स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाएगी, कृषि के साथ साथ स्थायी जीवन की भी शुरुआत ये कर देगा, समझ रहे, ठीक है। स्थायी जीवन के साथ साथ या रथ बनाने चालू करेगा, और रथ में लगने वाले सबसे पहले चीज क्या, पहिए, पहिए का आविष्कार या कर लेगा। ये सब चीजें क्या है, नवपाषाण काल की विशेषता है, ठीक है। एकदम बेसिक विशेषताओं को बस आप ध्यान रखो, एकदम आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कुछ एकदम डीप में इसमें जाना है, बेसिक एकदम चीजों को समझो जैसे मैंने बताया, ठीक। इसके अलावा इंसान जो है यहां पर आग का, है ना भाई, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीख जाएगा, ठीक है, आग का प्रयोग करना सीख जाएगा। इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूंगा, ये इसलिए बताने का मेरा मकसद था यहां पे, आग का खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, बट आग का यूज क्या करना है वो उसको नहीं पता था कि चल भाई ऐसे भूंज बगा ले, चिकन विकन बना ले बढ़िया भूंज के, है ना, पिकनिक विकनिक कर ले कहीं पे जाके जंगल झाड़ी में आग जला के, है ना, वैसा इसको आइडिया नहीं था, अभी टाइम में इतना एडवांस नहीं था वो, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आया ना, तब यहाँ पे नवपाषाण काल में, ये नवपाषाण काल में ही क्या किया, आग का यूज करना सीखा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें मैंने बताई पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नवपाषाण काल, ठीक है। अब मैं थोड़ा प्रश्नों की तरफ चलता हूं, ठीक है। एक आपने, आपको मैंने बेसिक इंट्रो दिया है प्राग इतिहास का। अब प्राग इतिहास से संबंधित जैसे मैंने बताया कि भाई आपको डायरेक्ट डायरेक्ट इस स्थलों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और कुछ संस्कृति के बारे में हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, ठीक। यहां पर बस एक चीज का याद रखिएगा, पाषाण 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 यानी पत्थरों का यूज, और इस पत्थर के बाद जो पहला मेटल या धातु खोजा जाएगा वो होगा तांबा, ठीक है। तो ताम्र पाषाण युग की शुरुआत इसी के बाद ही हो जाएगी, ताम्र पाषाण, ठीक है, क्लियर है। बस इतना चीजों को ध्यान, चलिए प्रश्नों के चलते हम लोग। पहला प्रश्न यहां पर हमारे पास है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे। देखिए प्रश्न को ध्यान से, एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री या कोई इतिहासकार, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक। चलिए अब ये रॉबर्ट ब्रूसफुट की कहानी कैसे शुरू होती है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जब हम भारत में जब भी इतिहास की चर्चा करते हैं, इतिहास की शुरुआत और स्पेशली प्राग इतिहास की शुरुआत करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही
वर्ष 1863 में पल्लावरम तमिलनाडु में एक जगह है, एक स्थान है, वहां से इन्होंने एक हैंड एक्स या हस्त कुठार, हैंड एक्स या हस्त कुठार की खोज की। और जब इन्हें हस्त कुठार मिला या पत्थर से बना हुआ हथियार मिला, तभी से इस पाषाण काल में अलग अलग पत्थरों के विशेषज्ञ, अलग अलग पत्थरों की जांच होनी शुरू हो गई और उसी का अध्ययन होने लगा। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को एक भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, एक भूगर्भ वैज्ञानिक, क्लियर। इसके अलावा रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही हम प्राग इतिहास काल का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं भाई? रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग इतिहास, जिसे मैंने अभी पूरा डिस्क्राइब किया, उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं, प्राग इतिहास। रॉबर्ट ब्रूसफुट प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री के फादर ऑफ प्री हिस्ट्री या प्राग इतिहास के जनक है। किसको भाई? रॉबर्ट ब्रूसफुट। डन है यहां तक? बिल्कुल एकदम जीरो से हम लोग चल रहे हैं ना, जीरो से, ठीक है, एकदम बोर और होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पुस्तक भी खोलोगे तो यही चीज मिलेगा, समझ जाओगे तो हमेशा के लिए रहेगा, कम से कम ये टॉपिक को आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूं ये सब चीज, इतना छोटा छोटा चीज है, इसको बता रहा हूं तो ध्यान समझते जाए। चलिए, तो यहां पर देखिए 1863 में पल्लावरम तमिलनाडु में एक हस्त कुठार या हैंड एक्स खोजा गया, और हैंड एक्स खोजने के कारण प्राग इतिहास के जनक के रूप में रॉबर्ट ब्रूसफुट जाने जाते। चलिए, अब रॉबर्ट ब्रूसफुट के अलावा सिंपल अगर आपको इतिहास के जनक पूछा जाए, इतिहास के जनक, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इतिहास के जनक कौन है। ये प्राग इतिहास के जनक है, कई लोग हिस्ट्री के जनक मान ले रहे होंगे, मैं क्या बता रहा हूं, ये प्राग इतिहास के जनक है, इतिहास के जनक आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इतिहास के जनक कौन, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका हस्त कुठार, ये दिख रहा है एक पत्थर से बना हुआ, यहां पर कोई हथियार यानी आपको नुकीला की तरफ दिख रहा है, और यहां जो आपको कटिंग दिख रहा है ये इस प्रकार की कटिंग दिख रही है, वही क्या है, हाथ में पकड़ने के लिए, यानी यहां पर एक सेब बना हुआ। ये ऐसा ही एक हस्त कुठार पल्लावरम में इन्हें प्राप्त हुआ रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय में सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग त्रियुगीन विभाजन किसने किया, किसने किया त्रियुगीन विभाजन? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। त्रियुगीन विभाजन का अर्थ यह है कि जो पहला मैंने आपको बताया था, पहला ही स्टार्टिंग हुआ था, याद है शुरुआत में, अभी थोड़ा 10 मिनट पहले ही बताया है ना, थोड़ा जी आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल, क्लियर है। तो वही जो है आपका सबसे शुरुआत में जो आप देखे वही क्या था, पाषाण काल था यानी प्राग इतिहास, उसके बाद वाला कांस युग आया यानी हड़प्पा का युग आया, और उसके बाद लोहे की खोज हो गई तो क्या आया, लौह युग आया, लौह युग, यह था त्रियुगीन विभाजन। तो यहां पर जो पत्थर मिले, कांसे मिले या लोहे का आधार बनाकर ऐसा त्रियुगीन विभाजन किस व्यक्ति ने किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह व्यक्ति था थॉमसन, ठीक है। थॉमसन ने कोपेनहेगन में डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, वहां पर इसने इन चीजों को देखकर त्रियुगीन विभाजन किया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काल फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ब्लेड कल्चर, फलक संस्कृति, फलक यानी कि जैसे आपका ब्लेड होता है वैसी ब्लेड टाइप के पत्थर हुआ करते थे, ठीक है। ये फलक संस्कृति के नाम से किस कल्चर को जाना जाता है, यहां पर हमारे पास है ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। यहां पर समझिए ध्यान से चीजों को, मैंने बताया था भाई कि जो आपका एक पूरा पाषाण काल है, फिर आएगा एक मध्य पाषाण काल, फिर आएगा आपका नवपाषाण काल, उसके बाद मैंने बोला था कि एक ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होगी, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, इसकी भी एक शुरुआत होगी, ठीक। अब यहां पर देखिए आपको एक ताम्र पाषाण काल दिख रहा है, मध्य पाषाण काल दिख रहा है, एक नवपाषाण काल दिख रहा है, ठीक है। ये वाले लाइन को आप ध्यान से देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल,
तो ये मध्य पुरापाषाण काल जो है आपका पुरापाषाण काल का विभाजन है। पुरापाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पुरापाषाण काल में सबसे जो पहला होता है उसे हम कहते हैं निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। निम्न पुरापाषाण के बाद इसी पुरापाषाण को हम बांटते हैं मध्य पुरापाषाण काल के रूप में, मध्य पुरापाषाण काल के रूप में बांटते हैं। और तीसरा होता है उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल नहीं है, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है यह फलक संस्कृति, क्योंकि यहां पर ब्लेड नुमा आकृति में आपको बहुत सारे क्या मिले हैं, पत्थर मिले हैं, स्टोन मिले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। अच्छा ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है ये फलक नुमा जो आकृति आपको दिख रही है वाली, जो ये फलक नुमा ब्लेड नुमा आकृति दिख रही है, यही क्या है, आपके फलक संस्कृति के कुछ औजार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, भीमबेटका केव्स आर फेमस फॉर इट्स, ठीक। भीमबेटका वर्ल्ड में और भारत में भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक। भीमबेटका में जो हमें प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स, क्या प्राप्त होते हैं, शैल चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये शैल चित्र जो हैं कुछ इस प्रकार से आपको नजर आते हैं, जो पत्थर में कुछ आकृतियां आपको यहां पर दिख रही है, यही क्या है, शैल चित्र है, ठीक। होता यह था कि मैंने आपको जब बताया पुरापाषाण काल के बारे में, उस पुरापाषाण काल के दौर में इंसानों के पास मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था। आज के टाइम में आप चले गए, चलो भाई गदर 2 देख लेते हैं, है ना, आओ कोई कहीं पर कुछ लगा है मेला उसको देख के आ जाते हैं, कहीं घूमने चल देते हैं, गाड़ी पकड़ के कहीं और निकल गए, सब चीजें आपके पास मनोरंजन की बहुत कुछ। आदि मानव के पास कुछ नहीं था, है ना, खाओ और सुतो, बस सुतेगा कहां, वो गुफा में, केव में। तो जब गुफाओं में जब ये जाता था, तो गुफाओं में जाने के बाद कभी कभी उसे बहुत समय तक गुफा के अंदर रहना पड़ा, बाहर बारिश वारिश हो गई, कुछ हो गया, बेचारा गुफा के अंदर है, अब गुफा के अंदर करेगा क्या। तो गुफा के अंदर वही मनोरंजन के लिए उसके पास कुछ कलर्स होते थे, रंग होते थे, उन रंगों से दीवारों में कुछ आकृतियां वह बना लेता। ये पेंटिंग उस प्रकार की पेंटिंग नहीं जैसा वर्तमान में आप प्रेजेंट टाइम में देखते, बिल्कुल ऐसा क्या है जैसा मन लगा है। देखो बचपन में हम लोग बनाते थे, बचपन में ऐसा बना लिए, ये ऐसा बना दिए, ये बन गया ऐसे ही, ऐसा 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 कुछ कुछ पेंटिंग बना लेते, ठीक है, ऐसी सिंपल सिंपल उसने पेंटिंग बनाई, ठीक। छत्तीसगढ़ में भी आप बहुत सारे आपको इस समय के शैल चित्र देखने मिलते हैं, ये भीमबेटका तो आपको मध्य प्रदेश में देखने मिलेगा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह जहां पर आप जा सकते हैं। आसपास में देखें तो हमें एक तो सबसे पहले चितवा डोंगरी, बहुत बार इससे क्वेश्चन बने, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी में जाएंगे तो वहां वैसी गुफाएं और वैसी शैल चित्र आपको देखने मिलते हैं। कबरा पहाड़ चले जाइए, नाम ही कबरा है, चितकबरा, है ना, नाम ही चितकबरा है, यानी कबरा कबरा, वहां चितकबरा टाइप का आकृति बना है, नाम कबरा पहाड़ पड़ा है, ठीक है। तो कबरा जो चित कबरा चीज है वो है क्या, यही चित्र है, ठीक, वही चित्र है, ठीक। तो ऐसे शैल चित्र छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने मिलते हैं, ठीक। तो ये जो शैल चित्र है, इन्हीं शैल चित्रों के कारण भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कहां स्थित है, आपके मध्य प्रदेश में, ठीक। अगला प्रश्न है हमारे पास, आदमगढ़ और बागौर में पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के प्राचीनतम साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं, यह कहां स्थित है, ठीक है, आदमगढ़ और बागौर। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है, तो आप पशुपालन से तो थोड़ा फैमिलियर हो चुके हैं। अगर मैं पशुपालन की बात कर रहा हूं तो पशुपालन यानी मिजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, और ये मध्य पाषाण काल क्या था भाई, मैंने आपको बताया था आदि मानव धीरे धीरे जब उसको समझ में आया कि भाई इस जानवरों को अगर मैं खा लिया, खत्म कर दिया तो क्या करूंगा, तब उसी समय उसने क्या किया, जानवरों को पालना चालू किया, ठीक है, जानवरों को पाला
और वहीं से चालू हुई थी पशुपालन की शुरुआत हुई थी। तो ये पशुपालन के ही तो एविडेंस मिले हैं कहां से आपको, आदमगढ़ और बागौड़ से। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो प्राग इतिहास का जो टॉपिक हम देख रहे हैं ना, जो अभी जुड़े भी होंगे उनको भी बता देना चाहूं कि ये जो प्राग इतिहास का टॉपिक है बहुत ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपको प्लेस या स्थान से जुड़े होंगे, या एविडेंस कहां पर मिला है, ये एविडेंस कहां था, ये बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो यहाँ आदमगढ़ और बागौर की बात किया है तो आपको पूछा कि भाई ये आदमगढ़ बागौर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश आंध्रा में है, या मध्य प्रदेश राजस्थान, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। तो अगर मैं बात करूं आदमगढ़ बागौर की, तो आदमगढ़ में, आदमगढ़ जो आपको मिलेगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और वही बागौर की बात करूं तो यह राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। एम से मध्य प्रदेश, एम से आदमगढ़ पकड़ लो, बागौर आर से क्या हो जाएगा राजस्थान, याद रखेंगे आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, ऐसे करके भी याद रखें। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से आपको फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिले हैं, समझ गए। ठीक है, चलिए अगला एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, इसे भी आप ध्यान दीजिए। नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, हथनौरा से, ठीक है, हथनौरा से आपको क्या प्राप्त हुआ है? पहली बार मानव के साक्ष्य जो है आपको हथनौरा से ही प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी उस समय के इंसानों की जो खोपड़ी है, मानव खोपड़ी इसे नर्मदा के क्षेत्र में ही आपको हथनौरा से मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, बुर्जा होम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में, कुछ आपको थोड़े से घुमाने वाले प्रश्न मिलेंगे। जैसे यहां पर पूछा है कि भाई असत्य कथन, मोस्टली हमारा ध्यान क्या होता है, सत्य कथन की ओर ज्यादा होता है। ठीक, तो बुर्जा होम के संबंध में आपको पूछा गया है कि भाई असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है। ठीक, थोड़ा सा हम इसे ये कर लेते हैं, जूम आउट, ये ठीक है, पूरा प्रश्न है आपके पास ये। ठीक, चलिए देखिए एक बार, ट्राई कीजिए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपके पास है, यहां के लोग कृषि से परिचित थे। दूसरा है, खोज जो इसकी हुई थी बुर्जा होम की 1935 में ईडी टेरा पीटरसन द्वारा की गई। यहां पर क्या आपको मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के एविडेंस मिले हैं, क्या आपको राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हो। ठीक है, देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, क्लियर है? तो यहां पर देखिए जो बुर्जा होम है, बुर्जा होम के लोग यहां पर कृषि से परिचित थे, ये सत्य है, ये करेक्ट है। यहां पर वैसे ही इसकी खोज ईडी टेरा ने और पीटरसन ने की थी। साथ ही साथ यहां पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन को आपको उठा के अलग से पूछ सकता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां पर आपको प्राप्त हो, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो आपको मिले हैं बुर्जा होम, ये बुर्जा होम पड़ेगा कहां, बुर्जा होम पड़ेगा कहां, ये जगह का नाम तो आप देख रहे हैं। ठीक है, आपको एक होमवर्क मिलते जा रहा है, उसको आप कहां बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। जैसे मैंने आपको पूछा पशुपालन के बारे में बताइए, पशुपालन किस पशु को उसने पाला था, तो वैसे ही आप बताइए कि बुर्जा होम जो है कहां स्थित है, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक, तो बुर्जा होम में आपको मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। यहां पर एक चीज और बताना चाहूं कि भाई ऐसे जो एविडेंस है ये आपको दर्शाते हैं कि भाई उस समय के लोग, प्राचीन समय के लोग, और वर्तमान में भी कुछ चीजें आपको ऐसी देखने मिलती है। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि भाई इंसान जब खत्म होता था तो उसकी प्रिय वस्तु उसके साथ दफना दी जाती। अब कुत्ता जैसे उसका प्रिय जानवर है मान लो, तो उसे दफना लिया, या कोई उसका प्रिय बर्तन है या जिसमें हमेशा खाना खाता है वो, उसे उसके साथ दफना देते। ये चीजें आज भी आपको देखने मिलती है कि भाई किसी शव को अगर हम जलाते हैं तो शव के साथ उसके साथ में जो उसके उपयोग की जाने वाली वस्तुएं थी उसे भी साथ में रख देते। साथ ही साथ कई लोग बीड़ी माखुर वाले भी होते हैं, बीड़ी माखुर कई लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप का जो चीज यूज करते थे पहले बड़े बुजुर्ग लोग, मैं तो अपने टाइम में देखा हूं भाई, बड़े बुजुर्ग लोग के जो उपयोग की जाने वाले डीबिया टाइप की चीजें रहती थी, उन सब चीजों को भी क्या करते थे, उसके साथ दफनाते थे। ठीक है, तो ऐसा ही देखने मिला था। तो ऐसा एक एविडेंस आपको बुर्जा होम कश्मीर में देखने को मिला है, कहां, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का एविडेंस। ये राख का टीला जो है ना, राख का टीला, ये नहीं मिला है। ठीक है, तो यही क्या है आपका, असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 क्या करेक्ट है, आपको असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ठीक,
अगला है ताम्र पाषाण काल में हम जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो यहां पर लोग किस प्रकार से दफनाया जाता था। ठीक है, तो कहा जाता है दफनाने की एक विशेष प्रकार की पद्धति थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अलग अलग आपको संस्कृति देखने मिलती है। उस संस्कृति में लोगों को दफनाने का जो तरीका था वह था उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर उसे दफनाया जाता है। इंसान का सर जो है उत्तर की ओर और पैर जो है दक्षिण की ओर रखा जाता था। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में बनास नदी, बनास नदी के किस संस्कृति का विकास हुआ, बनास नदी। ठीक है, तो बनास नदी जो है, जितनी भी संस्कृति, याद रखिएगा, जितनी भी संस्कृति या कल्चर डेवलप होता है वो आपका मोस्टली नदियों के किनारे होता है। जैसे आप देखते हैं जितने भी शहर बसे हैं वह नदियों के किनारे ही बसे हैं। रायपुर चले जाइए खारून के किनारे, दुर्ग चले जाइए सिमनाथ के किनारे। तो संस्कृति और शहर क्या है, नदियों के किनारे ही आपको दिखते हैं। वैसे ही राजस्थान में जो है बनास नदी के किनारे आपको आहार संस्कृति, आहार संस्कृति देखने को मिला था। ठीक है, एक आपको वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से संस्कृति से पूछा जाता है। ठीक, यहां देख लीजिए, ये जो आहार संस्कृति जो है इस क्षेत्र में, यहां पर ये राजस्थान और थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ आपका क्षेत्र है आहार। इसके अलावा गणेश्वर की अगर बात करें तो गणेश्वर भी आपको यहां राजस्थान में देखने को मिलेगा। कायथ और मालवा कल्चर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और ये जोरवे, जोरवे संस्कृति जो है महाराष्ट्र की सबसे फेमस संस्कृति के रूप में जानी जाती है जोरवे, इसे भी ध्यान रखिएगा, जोरवे संस्कृति। ठीक है, जोरवे संस्कृति, और ये जो जोरवे कल्चर है या जोरवे संस्कृति जो है, ये सब जितनी भी चीजें अभी देख रहे हैं, गणेश्वर है या कायत है, मालवा है या आहार संस्कृति है या जोरवे है, ये सब संस्कृति जो है ताम्र पाषाण काल युग से संबंधित है। पाषाण युग से नहीं, कॉपर एज से, कॉपर एज से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में कपास और पटसन के साक्ष्य मिले हैं। तो कपास और पटसन की अगर मैं बात करूं तो कपास और पटसन के साक्ष्य आपको निवासा से देखने को मिले, निवासा। इसके अलावा अन्य जो ऑप्शन है, एक आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ ही है जहां पर आपको एंशियंट टाइम या पाषाण काल में सबसे पहले, सबसे पहले एग्रीकल्चर के या कृषि के जो एविडेंस मिले थे वह आपको मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। और ये मेहरगढ़ वर्तमान में कहां पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता, पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर है। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, और ये अतरंजी खेड़ा क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि अतरंजी खेड़ा में पहली बार आयरन या लौह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, एविडेंस ऑफ आयरन, लौह के साक्ष्य, लौह के साक्ष्य या आयरन के एविडेंस हमें अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। ठीक है, इसके अलावा ताम्रवती में नाम से ही लग रहा है, यहां से क्या मिले हैं आपको, ताम्र। क्लियर है। ठीक, तो यहां का ये जो आपका ऑप्शन है, कपसन, कपास हुआ, पटसन जो है आपको निवासा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला है हमारे पास तांबे के रथ, तांबे के रथ आपको कहां से प्राप्त हुए, तांबे के रथ, तांबे के रथ यानी कि ये ताम्र पाषाण काल की बात करें, कॉपर एज की बात हो रही है, और कॉपर एज में जो आपका दैमाबाद, दैमाबाद, तो दैमाबाद से हमें तांबे की कुछ एविडेंस मिले जिसमें तांबे का रथ विशेष रूप से हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ, और ये दैमाबाद जो पड़ेगा वो पड़ेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट आपको ये जगह मिलेगी दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि भाई प्राग इतिहास काल के जनक, प्राग इतिहास काल के जनक के बारे में मैंने बताया कि रॉबर्ट बुशफूट ने प्राग इतिहास की खोज की थी, यानी पल्लावरम में जो हस्तकुठार मिला वहीं से शुरुआत हुई थी। उसके पहले भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग जिसने बनाया, एक्चुअल में उसकी शुरुआत करी, वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। और याद रखिएगा, मैं इतिहास के जनक का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर पूछा हूं, और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो बोला है भारतीय पुरातत्व के जनक, यानी भारत में इतिहास की शुरुआत या इतिहास की जानकारी लेने की शुरुआत किसने की, तो वो की थी शुरुआत अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? सिंपल सा प्रश्न है, वन लाइनर बता दीजिए। ठीक, तो ये मानव संग्रहालय आपको मिल जाएगा भोपाल, ठीक है, भोपाल में आपको मिल जाएगा। अगला नवदा टोली है ना, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था एच डी सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये वी एस कांकड़कर, ठीक है, ये वी एस कांकड़कर का नाम याद रखिएगा, ये वी एस कांकड़कर ही है जिन्होंने भीम बेटका के जो आप शैल चित्र देखते हैं या भीम बेटका की जो गुफाएं आप मध्य प्रदेश में जो देखते हैं उसे खोजने वाले यही थे, वी एस कांकड़कर। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए अब यहां पर जैसे ही हम एक नाम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, क्लियर है, यहीं से हमारा प्राग इतिहास का जो काल है समाप्त होता है और यहां से शुरुआत होती है सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राग इतिहास काल से आपको जनरल क्वेश्चन ही पूछेंगे, बिल्कुल जैसा भी हमने देखा वैसे ही वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा आपको डीप में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट हां, अब जो सिंधु घाटी आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उस सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न आना अनिवार्य, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने से पहले कुछ चीजें, बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग इस चीज पर थोड़ा सा कनेक्ट होते हुए इन चीजों में बढ़ेंगे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक युग से तो संबंधित है नहीं, ना ऐतिहासिक युग से ना उत्तर ऐतिहासिक युग से, तो यह है आपका आद्य ऐतिहासिक युग से, जिसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री से कनेक्ट है, ये पहले मैंने आपको बताया, तो आप ऑप्शन को गैस कर लिए होंगे कि आद्य इतिहास से। इसके अलावा अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक चीजों को हमको जानना जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे मैंने बताया पत्थर के बाद तांबा, तांबे के बाद उसमें टीन, और टीन मिला के तांबा बन गया कांसा, और कांसा यानी कि आपका कॉपर ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज की शुरुआत हुई, ब्रॉन्ज एज, क्लियर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा कांस्ययुगीन सभ्यता के अलावा हम इसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, और इसे नॉर्मल आप हमेशा देखते आए हैं वह है हड़प्पा सभ्यता के नाम से, ध्यान रखिएगा, यही सिंधु घाटी, यही कांस्य है, यही क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, अब देखिए इतना डीप में पढ़ाने का या समझाने का मकसद यही है, टॉप एमसीक्यू सीरीज का जो हमारा मकसद है, ठीक है, वो मकसद यही है कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी समझते जाएं और टॉपिक के साथ साथ मैं आपको जोड़ता ले जाता चलूं। ठीक है, इसी मकसद को हम लोग पूरा कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके लिए ऐसा ना हो कि हम लोग यहां पर आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रहे हो और आप सोच रहे हैं कि भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सॉल्व कर लिए हो गया। नहीं, सॉल्व करने के साथ साथ हम आपको टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये चल क्या रहा है, यानी क्वेश्चन फिर आंसर, ऐसा ही सीरीज होना चाहिए। नहीं, हम आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, इस चीज को भी आप देखते जाइए। तो कॉपी पेन जरूर रखिएगा और जो पॉइंट अच्छे लग रहे हो उसे नोट करिएगा। इसके अलावा कहीं पर अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज या हड़प्पा सभ्यता। ठीक,
ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में इसका विस्तार हमें अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमें जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अलग एक कलर ले लेते हैं हम लोग। चलिए, ये हुआ आपका पूर्वी छोर, ये पश्चिमी छोर, ये है आपका दक्षिणी छोर, ये है उत्तर का छोर। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ आपको सिंधु घाटी का क्षेत्र मिलेगा। अगर मैं इस तरफ जाता हूं, ठीक, बिल्कुल पश्चिम की तरफ अगर जाता हूं तो पश्चिमी छोर में आपको एक जगह मिलेगा, एक स्थान मिलेगा, उसे हम कहते हैं सुत का गेंडोर। एक स्थान आपको मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सुत का गेंडोर। और साथ ही साथ आगे चलकर आपके लिए प्रश्न बनेगा, वो यह बनेगा कि यह कौन सी नदी के किनारे है, तो यह पड़ेगा आपका दास का नदी के किनारे। तो सुत का गेंडोर दास का नदी के किनारे एक स्थित जगह है। ठीक, इसके अलावा दास का नदी के किनारा यह बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान। ठीक है, सुक्का गेंडोर दास का रिवर के किनारे, बलूचिस्तान। डन, पश्चिमी छोर ऊपर आए उत्तर में, उत्तर में हम लोग गए तो उत्तरी छोर में आपको मिलेगा मांडा, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर का एरिया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। और इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अभी मैं जो चीजें बता रहा हूं विस्तार है भाई, है ना, कि हड़प्पा का जो क्षेत्र है कहां से कहां तक है एक्चुअल, ठीक है, उसे मैं बता रहा हूं, मांडा चिनाब नदी के किनारे। इसके अलावा इस तरफ आप अगर पश्चिम की तरफ आए, पूर्व की तरफ आए, तो पूर्व की तरफ आपको एक जगह मिलेगा आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर के पास एक नदी पड़ेगी हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में। डन, ठीक, तो एक क्या मिला सुक्का गेंडोर, एक मिला मांडा, एक मिला आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे नीचे आ गए दक्षिणी छोर में, तो दक्षिणी छोर में आपको मिलेगा दैमाबाद। दक्षिणी छोर में क्या मिलेगा, दैमाबाद। और अभी अभी पहले ही हमने देखा था एक ताम्रपाषाण कालीन एक स्थल है दैमाबाद, ठीक है, जहां तांबे में रथ मिला था। तो दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, और नदी कौन सी पड़ेगी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। ठीक, क्लियर। तो यहां पर चार आपके पास स्थल है, सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। ठीक, ये चार स्थल है। इन चार स्थलों को अगर मैं कनेक्ट कर लूं इस प्रकार से, अगर मैं जोड़ लूं, इसे जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं, यहां से यहां और ये इस प्रकार से अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो हमें नजर आता है कि ये एक त्रिभुजाकार आकृति बना रही है, या जो क्षेत्र है एक त्रिभुजाकार आकृति बना रही है। एक बार का क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इतना बताया जाए, क्वेश्चन बन चुका है कि भाई हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो किस आकृति में फैला हुआ है, तो आप बताएंगे त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ एक क्षेत्र है हड़प्पा का। ठीक, तो यहां पर जब हम देखें कि भाई त्रिभुजाकार आकृति में जो फैला हुआ क्षेत्र है तो इसका एरिया या क्षेत्रफल भी होगा, तो इसका एरिया या जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। लगभग में अगर हम बोले तो ये आपका पड़ेगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर,
13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में इतना ये क्षेत्र है। और भारत का हम देखें, भारत के क्षेत्रफल का लगभग ये एक तिहाई क्षेत्र कवर करता है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो चारों क्षेत्र है आपके, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुक्का गेंडोर, चार क्षेत्रों में फैले हुए हैं और त्रिभुजा आकृति, त्रिभुजाकार आकृति में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से कितनी भिन्न थी? ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसे समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता में हमको देखने मिलता है कि जो इसके बाद सिंधु घाटी के बाद आपकी वैदिक सभ्यता शुरू होती है, तो उस वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी में एक्चुअल में डिफरेंट क्या है, अलग अलग क्यों है? जैसे सिंधु घाटी हमारा आएगा आद्य इतिहास में और वैदिक एरा जो वैदिक काल आएगा वो ऐतिहासिक काल, तो कुछ ना कुछ तो भिन्नताएं हैं। एक भिन्नता ये थी कि डायरेक्टली आप जानते हैं कि लोहे की खोज जब होगी वहीं से हम लोग वैदिक काल की तरफ जाते हैं, यानी आपके हिस्टोरिकल एज में लोहे की खोज हुई और यहां पर कहीं कहीं लोग क्या करते थे, कांसे का यूज करते थे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी कि इनके पास सिंधु घाटी सभ्यता के पास, जी हां ये सही लाइन कही जा रही है कि पहली नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहला डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, आज के टाइप नहीं भाई, आज के शहर शहर नहीं है। ठीक है, आज के शहर तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने नाली बना के दे दी तो नाली के ऊपर ही घर बना लेंगे और थोड़ा जगह मिले तो रोड में ला लेंगे, यानी रोड तो दिखे ही ना, ये स्थिति है। और उस समय लोगों का रहने का जो आप तरीका देखेंगे वो आपको बहुत ही उत्तम नजर आएगा। ठीक है, और शहरी सभ्यता कहने का एक कारण भी है क्योंकि यहां पर लोगों के घर जो बने थे उनका बिल्कुल, यानी घर जो है आपको एक के बाद एक, यानी समकोण आकृति में नजर आते थे। ठीक है, यानी घर ऐसे हैं कि भाई आप जो टाउन कंट्री प्लानिंग के देखें तो ये उस प्रकार से, अगर एक घर यहां पर है तो बिल्कुल एक घर उसके पीछे, एक घर उसके पीछे, है ना, क्रमानुसार इस प्रकार से बने हुए, फिर यहां रोड है तो यहां पे फिर आपके सड़क है, इस प्रकार से ये बिल्कुल एक शतरंज की तरह आपको नजर आते थे। ठीक है, तो ये भी इनके यहां की खासियत थी। और शहरी सभ्यता होने के कारण यहां पर जो लोग रहते थे, हर प्रकार के लोग आपको देखने मिलते थे, ऐसा नहीं कि भाई ये लोग कृषि ही कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे यहां पर कार्य होते, लोहार आपको देखने मिल जाएंगे, है ना, लोहार तो नहीं क्योंकि लोहे तो नहीं थे, है ना, अन्य जो तांबे वांबे के काम करने वाले लोग आपको देखने मिल जाएंगे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आपको कुम्हार देखने मिल जाएंगे। ठीक है, घर बनाने वाले लोग आपको देखने मिल जाएंगे, तो हर प्रकार के लोग यहां रहते थे, इसलिए इसे शहर कहा। इसके अलावा एक लिपि इस समय थी, वो था चित्रलेखी लिपि, जिसे हम कहेंगे भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। मैंने अभी आपको बताया था रिटर्न एविडेंस प्राप्त हुए हैं बट रिटर्न एविडेंस को पढ़ा या समझा नहीं जा सका, तो पढ़ा या समझा नहीं जा सका है वही तो क्या है, चित्रलेखी लिपि है या भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे पढ़ा या समझा नहीं जा सका। अगला ऑप्शन है, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लोहे की जानकारी नहीं थी, बार बार इन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं कि लोहे की जानकारी इनके पास नहीं थी। इसके अलावा रक्षा शस्त्र यानी कोई हथियार वथियार की भी जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो यहां पर पूछा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्र का अभाव था, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनों बार ये विशाल स्नानागार पूछा गया हो, है ना, मैं बता नहीं सकता, बहुत बार। ठीक है, एकदम कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं, पहले तो मैं आपको ऑप्शन ये कर दूं, विशाल स्नानागार की बात हो रही, ग्रेट बात की बात हो रही, तो यह विशाल स्नानागार मिला है मोहन जोदाड़ो से, कहां से मिला है भाई, मोहन जोदाड़ो से। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉप एमसीक्यू सीरीज का मतलब कि क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अब थोड़े जानने वाली चीजें आ गई, जहां एक्सप्लेनेशन है वहां एक्सप्लेनेशन आपको पूरा भरपूर मिलेगा और बातों को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लाया जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको शुरुआत किया था सिंधु घाटी सभ्यता में,
सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मैंने बताया उसे कांस्ययुगीन बोलते हैं, कांस्ययुगीन के अलावा बताया हड़प्पा सभ्यता। ठीक, बताया मैंने कि क्षेत्र जो है आपके आलमगीरपुर से लेकर आपको सुतका गेंडोर, ऊपर मांडा, नीचे दैमाबाद तक आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती है तो उस समय पुरातत्व विभाग के, पुरातत्व विभाग के डिपार्टमेंट के उस समय प्रेसिडेंट थे, ठीक है, डायरेक्टर जनरल थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ये बात है 1921 की, वर्ष 1921 की बात मैं कर रहा हूं। जॉन मार्शल जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे। उस समय होता है कि जो आपका पंजाब, यानी वर्तमान पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब में नहीं, उस समय जो पाकिस्तान को मिलाकर हम जो एरिया देखते थे, वहीं किसी क्षेत्र में कहा जाता है कि रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी। रेलवे लाइन की खुदाई होते होते दो चार मजदूर क्या किए, वहां पर उनको कुछ ईंटें मिल गई और ईंटों को वो क्या करने लगे, अपने घर ले जाने लगे। अब जब वो ईंटों को ले जा रहे थे, एक दिन इस पर नजर जॉन मार्शल की पड़ी। जॉन मार्शल देखते हैं भाई ये ईंटें तो बहुत प्राचीन समय के नजर आ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के तो नहीं है। अपने डिपार्टमेंट में भी ले गए, विभाग में भी ले गए, विभाग में ले गए थोड़ा रिसर्च किया तो उनको पता चला हाँ भाई ये अभी के नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय के हैं। तो कितने पुराने समय के हैं, ठीक है। तब उन्होंने जानकारी निकाली कार्बन डेटिंग विधि से उस समय, ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपना मत दिया कि भाई इस समय से इस समय, जॉन मार्शल ने भी दिया, वैसे ही अलग अलग इतिहासकारों ने जब जानकारी निकाली, उसमें से सबसे परफेक्ट जो जानकारी निकल कर आई कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक का है, सबसे पहली जानकारी ये मिली। और ये बिल्कुल परफेक्ट है, अलग अलग इतिहासकार अपने अपने मत देंगे, या आपको इतिहास में ये चीज हमेशा देखने मिलेगी। आप चार बुक पढ़ लीजिए, चार बुक में थोड़ा ना थोड़ा ईयर में, डेट में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने मिलता है, ठीक है, यही चीज है। तो यहां पर कार्बन 14 है ना, कार्बन डेटिंग का जो अपन, जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यह कितना पुराना है, किस समय का होगा, उस कार्बन डेटिंग विधि से जो ज्ञात किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कब की कब से है, 2350 से 1750 के समय की है, ठीक है, उस समय का है। ये जानकारी मिल गई किनको, जॉन मार्शल को। अब जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी दोनों को भेजा, और ये जब दोनों गए तो वर्ष 1921 की बात है, जब दोनों गए तो जाने के बाद सबसे पहला जो स्थल, जो पहला एक स्थल, स्थान जो खोजा गया वह था हड़प्पा। पहला जो स्थल खोजा गया वही था क्या, हड़प्पा। इसी कारण से हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसे ही खोजा गया, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। अब देखिए धीरे धीरे मैं लिंक कर रहा हूं इन चीजों पर, यही मोहनजोदाड़ो में ही आने वाले हम, धीरे धीरे लिंक हो रहा है, समझते जाइए चीजें। ठीक है, अब जॉन मार्शल ने जब इस खोज की शुरुआत कर दी तो यहां पर जैसे मैंने बताया राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को भेजा गया था, तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और इसी 1921 के बाद वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज, समझ में आई चीजें। दोनों गए थे बट पहले खोजने वाले कौन थे, दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने, और उसके बाद वर्ष 1922 में अगले साल मोहनजोदाड़ो की खोज किसने कर दी, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आपको इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि भाई खोजकर्ता के नाम ये दिए जा सकते थे आपको, यहां पर कनेक्ट करिए जोड़े बनाओ में, ठीक। और अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है
कि भाई हड़प्पा में अभी जब गए तो हड़प्पा में मिला क्या, तो हड़प्पा में मिले एविडेंस, हड़प्पा में मिले मोहनजोदाड़ो में मिले, कालीबंगा में मिले, रोपड़ में। ठीक, मोहनजोदाड़ो में जब गए कौन गए, राखलदास बनर्जी गए, तो राखलदास बनर्जी क्या प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार, ग्रेट बात यहां पर इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी विशाल स्नानागार के कारण मोहनजोदाड़ो जो है, यहां से जो मोहनजोदाड़ो क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित बनता है। तो चलिए मैं आपको एक बार मोहनजोदाड़ो में आपको क्या क्या प्राप्त हुआ और हड़प्पा में क्या क्या चीजें मिली उसको थोड़ा सा हम लोग एक पेज में देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका क्या, ग्रेट बात। ठीक है, यही है आपका स्नानागार, ये है आपका क्या, स्नानागार, जो आपको कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ऐसे बड़े बड़े स्नानागार में प्रेजेंट टाइम का स्विमिंग पूल है तरिया डबरा, नहीं तरिया डबरा नहीं भैया, स्विमिंग पूल ही है उस टाइम का, है ना, पहले टाइप का स्विमिंग पूल है, ऐसे यहां पर उतरने का बना हुआ है, बिल्कुल यहां पर खांचा बने हुए हैं, यहां से उतर के आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो मिला। चलिए, तो जैसे मैंने बोला कि अब जो है हड़प्पा और थोड़ा मोहनजोदाड़ो को मैं आपको डिस्कस कर दूं ताकि आपको एक जानकारी हो जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में आपको क्या क्या मिला। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक, हड़प्पा की अगर बात करें तो इसे वर्ष 1921 में खोज लिया गया। खोजकर्ता कौन हो गए, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी सबसे पहले यही खोजाया। इसके अलावा आपको पूछेगा कि ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे हड़प्पा जो है, हड़प्पा यह पड़ेगा सिंधु की रावी। सबसे पहला माइंड में आएगा सर सिंधु नदी के किनारे है, वही गलत खाओगे ना भाई, तो दिक्कत है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नाम सुने सिंधु घाटी सभ्यता, आया एग्जाम में हड़प्पा कौन से क्षेत्र के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, लगा दिए क्या, सिंधु नदी के किनारे, वही आप गलत कर दिए। ठीक है, तो हड़प्पा भले पहला खोजा गया क्षेत्र था बट ये खोजा गया रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे जितना भी पॉइंट अपन डिस्कस करें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में, क्लियर है, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में इसे खोजा गया। ठीक, डन हड़प्पा। इसके अलावा यहां पर हड़प्पा की जब हम बात कर रहे हैं तो हड़प्पा से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ उसे भी आप जान। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, एकदम आपको एक बार में याद भी हो जाएगा, कुछ छोटा सा एक कहानी भी आपको बता दूंगा, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, एक बार का चीज है, थोड़ा सा मेहनत है, हमेशा अगली चीजें याद हो जाएंगी। अभी हड़प्पा को डील कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं मोहनजोदाड़ो को साइड कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो को भी देख लेंगे। ठीक, यही तो हमारा टॉप एमसीक्यू सीरीज का, जैसे मैंने बताया उद्देश्य ही है कि टॉप एमसीक्यू सीरीज में आपको एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा और टॉपिक वाइज आपको धीरे धीरे आगे भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। चलिए, अब यहां पर जो एविडेंस मिले उस एविडेंस को अगर मैं लेकर चलूं या देखूं तो सबसे पहला मेरे को देखने मिलता है यहां पर मजदूर आवास। क्या देखने मिलता है, मजदूर आवास, यहां पर हमें मजदूर आवास, लेबर रेसिडेंस देखने को मिला। क्या देखने मिला, मजदूर आवास देखने को मिला, कहां पर भाई, हड़प्पा। ठीक, अब थोड़ा सा एक छोटी स्टोरी के रूप में आप समझिएगा, फिर उस पॉइंट को यहां लिखवा दो। देखिए, अब मजदूर जब जहां पर रहेंगे, आप इमेजिन कीजिए कहीं पर कोई मजदूर रह रहे हैं, तो मजदूर क्या करेंगे, अपने खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करके रखेंगे। अब खाएगा क्या मजदूर बेचारा, दाल और चावल, मतलब इकट्ठा क्या करेगा, धान वान। ठीक है, धान चावल ये सब चीजों को इकट्ठा करेगा। तो यहां पर हमें देखने को मिला मजदूरों ने बनाकर रखा था अन्नागार, ग्रैनरीज। ठीक है, अन्नागार इन्होंने मजदूरों ने बनाकर रखे थे। ठीक, अन्नागार यानी कि जो धान का कोठी होता है, पहले के टाइम में या गांव में अभी भी आपको देखने मिलेगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो क्या बोले, कोठा बनाकर रखते थे, भाई जैसे फसल वसल कटाई हो गई उसमें से अपन वहां पर चीजों को रख लिए
और जब लगा वहां से यूज कर लिया। अब आपके टाइम में सोसाइटी ये सब चीजें हो गई, गवर्नमेंट के पास पूरा धान वान बिक जाता है, तो कोठा वाला जो सिस्टम है वो भी खत्म हो रहा है और पक्के मकान बनने चालू हुए गांव में भी। पहले मिट्टी घर होते थे, गोबर ओबर से लिपाई करके बढ़िया कोठा वोठा बना कर रखते थे, गोबर से पूरा पैक कर देते थे ताकि उसमें कीड़े वीड़े ना लगे, ठीक है, बहुत सारे उपाय होते थे। तो गांव में जाएंगे तो कोठा उठा आपको देखने मिल जाएगा, ठीक वैसे ही अन्नागार यहां देखेंगे। इसके अलावा अब मजदूर है भाई, उनको पता है कि अन्न जिसने दिया वही तो उनका भगवान है, अन्न जिसने दिया वही तो उनका भगवान है। तो यहां पर आपको मातृ देवी की एक प्रतिमा भी देखने को मिली, मातृ देवी की एक मूर्ति जिसको लोग क्या करते थे, पूजते थे, ऐसा एक जानकारी मिलता है, यहां मदर गॉडेस मिला। अब एक दिन क्या होता है, ये लोग खाना बना रहे थे, खाना बनाते बनाते क्या हुआ, आग की लपटें निकली और पूरा का पूरा उनका घर जल गया, आवास जल गया। घर जलने के बाद क्या हुआ, धान वान के कुछ एविडेंस मिले और मजदूर भी खत्म। मजदूर खत्म हो गए तो क्या करना पड़ेगा भाई, कोई इंसान मृत होता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, दफनाते हैं। क्योंकि उस समय पहले के समय में आपको दफनाने की प्रक्रिया ही ज्यादा मिलेगी, जलाने वाला जो तरीका है ये बाद में चालू होगा, अभी दफनाने की प्रक्रिया, ठीक। तो यहां पर क्या मिला हमें, दफनाने की जानकारी मिली, ठीक। तो मैंने क्या क्या बताया देखो, ध्यान समझना, पॉइंट टू पॉइंट, उतने ही पॉइंट को मैं लिखवा दूंगा और वही मोस्टली आपको हड़प्पा में पूछते हैं। पहला चीज की हड़प्पा में हम गए या बोला चाहिए दयाराम साहनी पहुंचे, तो दयाराम साहनी देखते हैं एक मजदूर आवास, मजदूर अगर रह रहे हैं तो अपने लिए बनाए अन्नागार, अन्नागार के पास उन्होंने बनाया, वहां पे अन्न की देवी जो मातृभूमि है उसकी मातृ देवी की पूजा की उन्होंने। इसके अलावा घर में आग लग गए, तो आग लगने के बाद वहां पर क्या मिले, जले हुए भूसे के तिनके मिले। इसके अलावा यहां पर जो मजदूर खत्म हो गए, जो इनका मृत शरीर था उन्हें दफनाया गया, तो हमें यहां पर सिमेट्री या दफनाने के कुछ साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए, कब्रिस्तान मिले, ठीक है। यही एविडेंस आपको हड़प्पा से, चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या क्या मिल रहा है आपको। तो पहला आपको मिला मजदूर आवास, दूसरा में जैसे मैंने बताया कि भाई यहां पर क्या मिल रहे हैं, अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार। अगर ग्रैंडिस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अन्नागार आपको मोहनजोदाड़ो में भी मिलेंगे, बट ये जो अन्नागार है छोटे हैं, ठीक है, याद रखिएगा छोटे अन्नागार है, ठीक है। छोटे बोलने का मतलब कि भाई ये अन्नागार जो बने थे कुछ इस प्रकार से थे, छह इधर छह कुछ इधर बने हुए थे, ऐसे छोटे छोटे अन्नागार बने, एक बड़ा ऐसा धान का कोठा या बड़ा सा ऐसा रूम टाइप का नहीं बना, छोटे 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 बांटे गए, इसलिए मैंने क्या बताया छोटे अन्नागार, ठीक। अन्नागार के अलावा मैंने बताया कि भाई ये लोग पूजा करेंगे तो मदर गॉडेस की, मातृ देवी की प्रतिमा की पूजा करेंगे, मातृ देवी की प्रतिमा की इन्होंने पूजा की, ठीक। मातृ देवी की प्रतिमा के अलावा मैंने बताया भाई घर में आग लगी, तो घर में आग लगने के बाद क्या मिले, जले हुए भूसे के तिनके, भूसा मतलब कि भाई क्या धान वान के भूसा उसा रहता है उसमें, या धान वान के कुछ जले हुए धान के आपको एविडेंस मिले हैं, तो बर्न बार्ले या बोला चाहिए जले हुए भूसे के तिनके आपको प्राप्त हुए हैं, जले हुए भूसे के तिनके हमें यहां पर मिले हैं, ठीक। इसके अलावा लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहां पर मिलेगा कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है। और कब्रिस्तान के कुछ टाइप थे R37 एंड H टाइप और R37 टाइप के आपको क्या मिले हैं, कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो ये क्या है आपके पांच एविडेंस, मजदूर आवास, अन्नागार, मातृ देवी की प्रतिमा, जले हुए भूसे के तिनके, कब्रिस्तान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे एविडेंस मिले हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान रखना है, इतनी चीजें यहां पर आपको प्राप्त हुए, ठीक। ये हो गई बात किसकी, हड़प्पा की। अब आ जाते थोड़ा मोहनजोदाड़ो की तरफ, ठीक है, मोहनजोदाड़ो को भी देख लेते हैं कि भाई यहां पर हमें क्या क्या मिला है। मोहनजोदाड़ो में जब हम आते हैं, ठीक है, इसे खोजा जैसे मैंने बताया वर्ष 1922 में खोजा गया, वर्ष 1922 में खोजा गया। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो को जिसने खोजा उनका नाम है राखल दास बनर्जी, नाम ध्यान रख लिए, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी दोनों गए थे, मैंने बताया
एक एक साल के डिफरेंस में दोनों खोज लिए गए। अब जो मोहनजोदड़ो है वह आपको मिलेगा सिंधु नदी के किनारे, यही है मोहनजोदड़ो जो आपको सिंधु नदी के किनारे मिलेगा। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में यह आपको प्राप्त होगा, कौन सा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट ने जुड़वा राजधानी भी कहा है। जुड़वा राजधानी जैसे भिलाई दुर्ग, भिलाई और दुर्ग लगा हुआ है, ठीक है, वैसे ही क्षेत्रों को जुड़वा राजधानी कहा गया क्योंकि ये लोग भी क्या थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा आसपास थे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा, इसे जुड़वा राजधानी भी कहा गया। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का एक अर्थ भी है, इसे कहा जाता था मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, क्योंकि इस स्थान पर मोहनजोदड़ो में कहा जाता है कि बहुत सारे लाशों के ढेर एक के ऊपर एक मिलते हैं और वही क्या है टीले नुमा आकृति में हमको देखने मिलते हैं। तो टीले नुमा आकृति में देखने मिलने के कारण उसे क्या कहा गया, मृतकों का टीला, और मृतकों का टीला ही क्या कहलाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पर एविडेंस। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए हमने एविडेंस, यहां पर भी आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, वहां मिला था मजदूर आवास, यहां मिलेगा पुरोहित आवास। यहां क्या मिलेगा आपको, पुरोहित आवास मिलेगा। यहां क्या मिलेगा आपको, पुरोहित आवास। पुरोहित है, पंडित है, पूजा करेगा, जी हां करेगा, ठीक है, पूजा करेगा। तो पूजा करने से पहले क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए सर। ठीक है, स्नान करने भेज देंगे, वे कहां जाएगा, स्नानागार में, ग्रेट बाथ में जाएगा। स्नान करने के बाद क्या करेगा भाई, आप बोलोगे पूजा करने जाएगा, नहीं भाई कपड़ा पहनेगा, कपड़ा पहन लिया, ठीक है, वस्त्र धारण किए इसने, तो यहां पर इसने वस्त्र धारण किया। वस्त्र धारण करने के बाद यह गया कहां, मंदिर में चला गया पूजा करने। ये कहानी बता रहा हूं ना एकदम, अभी आप पूरे के पूरे पॉइंट को कनेक्ट मत कीजिए, मैं यहां पर जब लिखूंगा तब वही वही पॉइंट आप ध्यान रखिए, बस अभी एक स्टोरी के रूप में समझिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बताया भाई, एक पुरोहित आवास है, पुरोहित आवास के अलावा पंडित ने पूजा की, वहां पर पूजा करने के लिए वह कहां जाने वाला, मंदिर, मंदिर जाने के लिए वो क्या करेगा, स्नान करेगा, स्नान के बाद कपड़ा पहना, स्नान करने के बाद कपड़ा पहनने के बाद पहुंचा कहां, मंदिर। मंदिर में पहुंचता है, क्या देखता है, तीन सर वाले देवता, तीन सिर है उनके, इसके अलावा पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन मुद्रा। ठीक है, पद्मासन मुद्रा के अलावा नीचे बहुत सारे जानवर की आकृति बनी हुई है। ठीक है, और वह कहता है कि भाई ये क्या है, एक पशुओं का देवता है, और पशुपति नाथ उन्हें कहा गया। तो देवता कौन से थे, पशुपति नाथ थे, पशुओं के देवता, जानवर की आकृति, जानवर की आकृति वाले पशु, पशुओं के देवता हैं पशुपति नाथ। मंदिर है, मंदिर में देवता मिले, मंदिर में हम लोग जाते हैं, एक प्रांगण मिलता है, एक क्या मिलेगा आपको, सभागार मिलेगा, और सभागार मिलेगा तो इंद्र की सभा को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, अप्सराएं वहां पर नृत्य करती थी, वैसे यहां पर हमें एक सभागार मिला, और सभागार में एक नित्यांगना देखने को मिली। ठीक है, नित्यांगना, क्लियर, तो एक असेंबली मिला हमें वहां पर नित्यांगना। ठीक है, नित्य करती हुई एक मूर्ति दिखी। चलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं बिंदुओं को यहां पर मैं आपको कनेक्ट करूंगा। अब जो एविडेंस है वो परफेक्ट रूप में आपको बताऊंगा, कहानी को जो मैंने अभी आपको कहानी के रूप में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया उसी को यहां पर कनेक्ट कर देता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चीज को आप थोड़ा बताइए तो हम भी क्या है इन चीजों पर ध्यान दें। ठीक है, बिल्कुल यहां पर देखते जाइए, ये आपका टॉप एमसीक्यू सीरीज है। इस टॉप एमसीक्यू सीरीज में हमारा जो उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन करवाया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व भी करें, और सॉल्यूशन के साथ साथ आप अपने टॉपिक को भी कंप्लीट कर ले, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, आपको अलग से कहीं पर इतिहास के लिए लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, पहले ऐसा था कि भाई पहले हम लोग टॉपिक पढ़ते थे, क्वेश्चन के लिए अलग ये होता था, बट दोनों चीजों को मर्ज करके थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों आपके सामने। चलिए
पुरोहित आवास के बाद मैंने बताया कि पुरोहित आवास के बाद आपको मिलेगा वृहत स्नानागार। ठीक है, स्नान किया पंडित ने तो वृहत स्नानागार आपको मिलेगा, वृहत स्नानागार। ठीक, इसके अलावा तीसरा आपको मिलेगा वस्त्र। ठीक, यहां पर एक पॉइंट मैं कनेक्ट करूंगा। वस्त्र जो है कपास का बना होता था, वस्त्र जो है कपास का बना होता था और इस कपास को खोजने का श्रेय हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि कपास खोजने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो हड़प्पा वासियों को दिया जाता है और इस कपास को यूनानियों ने सिंडोन कहा। क्या कहा? सिंडोन। कपास को कहा जाता था सिंडोन, सिंडोन। ठीक, क्लियर है? तो वस्त्र क्या कहा गया? सिंडोन कहा गया। ठीक, चल इसके अलावा चौथा जो हमें यहां पर एविडेंस या साक्ष्य मिला है, चौथा या एविडेंस या साक्ष्य हमें मिला है वस्त्र के अलावा, अगली जो चीज हमें मिली, जैसे मैंने बताया मंदिर में गए तो देवता मिले, देवता तीन सिर वाले, पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ मिले आपको क्या? पद्मासन मुद्रा में, पशुपतिनाथ की पद्मासन मुद्रा, पद्मासन मुद्रा ये देखने को मिली। याद रखिएगा ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये बना है आकृति मुहर मुद्रा, पद्मासन मुद्रा में की आकृति जो है मुहर, मुहर या सील्स में बने हुए, मुहर या सील्स में बने हुए। ठीक है, मुहर या सील्स में बनी हुई पशुपतिनाथ की पद्मासन मुद्रा में आकृति में। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि वहां पर सामने आपको और क्या मिलेगा? एक सभागार मिलेगा, असेंबली, असेंबली, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि भाई ये नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई है, किसकी बनी हुई, नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई। समय और दौर को देख के थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने याद करवाया था अभी, ये सब क्लास चल रहा है ना, शुरुआती में बताया कोपन हैगन संग्रहालय में हमने विभाजन किया, थॉमसन नाम के व्यक्ति ने विभाजन किया कोपन हैगन, और विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ कि पहला वाला रहेगा पाषाणयुग, दूसरा वाला रहेगा ताम्र, दूसरा रहेगा कांस्य युग और तीसरा रहेगा लौह युग। अभी चल रहा है कांस्य युग, और कांस्य युग चल रहा है तो नर्तकी की मूर्ति क्या होगी? कांस्य की बनी होगी। ठीक, तो नर्तकी की कांस्य की बनी, कांस्य या ब्रॉन्ज, कांस्य की बनी नर्तकी, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति या स्टैच्यू हमें प्राप्त। डन, क्लियर है? इतनी चीजों को याद रखिए, इतना कर लिए काफी है, थोड़ा सा हेडेक कम हो जाएगा। हड़प्पा वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करता छात्रों को, ठीक है, बट थोड़ा मेरा कोशिश है कि आप हड़प्पा को पढ़ लीजिए, भाई एक क्वेश्चन आना है, थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए समाधान मिल जाए। चलिए अगला है और लास्ट है, वो है अन्नागार, ग्रैनरीज, लार्ज साइज के, बड़े साइज के, हड़प्पा में छोटे साइज के, यहां पर क्या है? बड़े साइज के अन्नागार आपको मिलेंगे। तो यहां पर क्या मिल रहे हैं? वृहत आकार के अन्नागार, वृहत आकार के अन्नागार या ग्रैनरीज आपको प्राप्त हुई है। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे शब्दों पर ध्यान दे, हिंदी वाले लिखे हुए चीजों पर ध्यान दे। ग्रैनरीज जो बोल रहा हूं यानी वो क्या है? अन्नागार है, और लार्ज साइज के अन्नागार आपको यहां पर मिले। डन है, क्लियर है भाई? ऐसे ही आपको क्या है ना, ये सब बताने का मेन जो मेरा ये मकसद था कि भाई आपको पढ़ना किस प्रकार से होता है, और कभी पढ़ें तो इसी प्रकार से बने। भाई पहले आप जगह को देखें, जगह के अलावा जो आप जितना भी पॉइंट मैंने लिखा है, जितना भी पॉइंट मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन बनता है, आपको पूछेगा किस वर्ष खोजा गया, किस नदी के किनारे खोजा गया। आप देखिए पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ
आप पढ़ते पढ़ते ये भी समझिए कि क्वेश्चन तैयार कैसे किया जाता है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर वही पूछेगा आपको किस नदी के किनारे हुआ। एविडेंस, आपको ऑप्टेन एविडेंस, जो प्राप्त साक्ष्य है, प्राप्त साक्ष्य, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए भाई चीजों को? ठीक है, धीरे 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 थोड़ा हम बढ़ते जा रहे हैं, धैर्य बनाए रखिए, है ना, थोड़ा समझने के लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती है आपको कि भाई सीजीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीजीपीएससी, ठीक है, और पीएससी यानी कि आप समझ सकते हैं आगे चल के प्रीलिम्स के बाद आप मेंस का पेपर भी लिखेंगे, और मेंस का पेपर लिखेंगे तो आपको इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लासेस लेंदी होंगी, लंबी क्लासेस आपको मिलेंगी, बट आपको वैसा धैर्य बनाए रखना होगा, ठीक है, तभी चीजें अच्छी होंगी और आपको अच्छी चीजें हम भी दे सकेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां पर अपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जान लिया। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में दो चार ही प्लेस हैं जिसको बहुत अच्छे से जानना होता है, बाकी थोड़े थोड़े प्लेस हैं, कौन सी नदी किनारे क्या है, बस इतना ही जानना होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में, इतना सफिशियंट है। जॉन मार्शल को याद रखिएगा, जॉन मार्शल वर्ष 1921 में पहली बार बहराम सहनी को और राकलदास बनर्जी को भेजे थे, वर्ष 1921 में इन्होंने हड़प्पा खोजा और इन्होंने मोहनजोदड़ो को खोजा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेंगे, यहां पर यह पूछा गया है आपको असत्य कथन के बारे में, असत्य है ना, असत्य, फॉल्स को बताना है, ये फॉल्स आपको बताने, कौन सा इनकरेक्ट। ठीक है, यहां पे सत्य लिखा गया उसे असत्य कहते हैं। चलिए देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा, माता देवी की उपासना या लोग लोहे से परिचित। ठीक है, आप देखते ही जान गए होंगे कौन सा गलत है, और वो गलत है कौन सा, लोग लोहे से परिचित, यहां के लोग लोहे से आयरन के बारे में नहीं जानते। इसके अलावा नालियों की बेहतरीन व्यवस्था, मैंने बोला ही था भाई शहर आपके आज वाले शहर में वो लोग बेस्ट थे, नालियों की बढ़िया व्यवस्था ढक वक के रखते थे, अच्छी व्यवस्था थी। व्यापार वाणिज्य, मैंने बताया कि बहुत सारे व्यापार यहाँ पर होते थे, है ना, हर प्रकार के लोग यहाँ पर रहते थे, है ना, ठीक, और व्यापार जो होता था वो उन्नत था, बहुत अच्छा था। ठीक है, इसीलिए तो ये क्या है, शहर है। ठीक, मातृ देवी की उपासना, मैंने बताया था आपको माता देवी की एक प्रतिमा, मदर गॉडेस की एक स्टैच्यू देखने को मिली है, तो माता देवी की प्रतिमा भी आपको देखने मिली, क्लियर है। तो ये तीन क्या है आपके, करेक्ट है, और आपको पूछा असत्य कथन, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, बाकी क्या है, सत्य कथन। अगला है, निम्न में से सुमेल नहीं है, करेक्ट जोड़े नहीं है, उसको बता दीजिए करेक्ट कौन सा नहीं। ठीक है, ये मैंने बताया ना आपको, प्लेस नदी के किनारे कौन सा है, क्या है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। चलिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सुमेलित है कि नहीं है, मैंने एक डायग्राम में बता दिया था, आलमगीरपुर आपका पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर में सुतका गेंडोर, ऊपर मांडा, नीचे दैमाबाद। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ये तो करेक्ट है भाई। ठीक है, लोथल, लोथल, लोथल की अगर बात करें तो लोथल कहां मिलेगा आपको, गुजरात में, ये भी करेक्ट है। कालीबंगा, कालीबंगा की अगर बात करें तो ये कहां है, हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा रोपड़ की अगर बात करें, रोपड़ की अगर बात करें, अच्छा एक सेकंड, कालीबंगा जो है आपका हरियाणा में नहीं, यही वाला आपका गलत है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं, यह पड़ेगा राजस्थान में, कहां पड़ेगा, राजस्थान में, क्लियर है। और रोपड़ आपका कहां पड़ेगा, पंजाब, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है, कालीबंगा वाला, यह ऑप्शन आपका गलत है, कालीबंगा, कालीबंगा स्थित है कहां, राजस्थान में, और दिया कहां है, हरियाणा में, तो यही सुमेलित है। बाकी आलमगीर पर आपका उत्तर प्रदेश में है, लोथल है गुजरात में, और रोपड़ है पंजाब। ठीक है, तो थोड़ा अब फिर से एक पॉइंट को समझ लेते हैं,
और एक स्थल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और वो स्थल है लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोथल को थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दूं और आपको थोड़ी उसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा और जहां से आना चाहिए उसका डिस्कशन आपको जरूर मिलेगा। चलिए तो मैं थोड़ा लोथल को देख लेते हैं, लोथल के बारे में जान लेते हैं। चलिए लोथल लोथल ठीक, लोथल की अगर बात करें तो लोथल को लगभग 1954-55 के आसपास खोजा गया था। ठीक, यह लोथल जो है एक नदी के किनारे पड़ेगा, वह नदी है भोगवा नदी। भोगवा नदी गुजरात एक नदी के किनारे यह स्थित है, और एक कौन सी नदी है, भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे स्थित एक जगह है। इसके अलावा गुजरात में जिसने लोथल को खोजा वो थे रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ठीक है, हमारा पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, और हड़प्पा कालीन स्थलों को कुछ इसी प्रकार से ही पढ़ना है। खोजकर्ता ईयर के बारे में लगभग जो जानकारियां हमें मिली हैं, कुछ कुछ थोड़ा आपको कुछ पुस्तकों में 1955 मिलेगा, कुछ में 1954। ठीक है, डिफरेंस हो सकता है, मैंने बताया पुस्तकों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। ठीक, भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में, तो ये नदी वाला जो है भोगवा नदी इस नदी को पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और खोजकर्ता जो है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव अगला जो तरीका हमारा क्या कि हम जो वहां पर एविडेंस मिले उसको हम जानते हैं। ठीक है, प्राप्त साक्ष्य, प्राप्त साक्ष्यों की अगर मैं बात कर लूं जो हमको एविडेंस यहां पर प्राप्त हुए हैं, तो एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो एविडेंस मिले हैं उसमें सबसे पहले यह जानकारी हुई कि जो लोथल है वह क्या है, एक डॉकयार्ड है, एक गोदी बाड़ा जहां पर बाहर से नाव या जहाज आकर रुका करते। तो यहां पर क्या मिला है हमें, एक गोदी बाड़ा, गोदी बाड़ा, या आप बोल सकते हैं लोकथल क्या है, एक बंदरगाह है जहां पर बड़ी बड़ी जहाजें या शिप्स आकर रुका करती। ठीक, अब ये जहाज आ रहे हैं लोथल में तो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं मतलब व्यापार हो रहा है, तो व्यापार हो रहा है तो कौन से दोस्त से लोग आ रहे हैं, उसकी जानकारी कैसे मिली कि जब हम देखते हैं लोथल में हमें कुछ मुहर या सिक्के प्राप्त हुए, और ये मुहर और सिक्के जो हुआ करते थे, ये मुहर और जो सिक्के मिले हैं वो ईरान या फारस के, ईरान या फारस। तो इसे समझ में आया कि व्यापार कहां से हो रहा था, ईरान से। तो यहां पर आपको क्या मिली है, फारस की फारस की मुहर सील आपको प्राप्त हुई है, फारस की मुहरे या सील्स आपको यहां से प्राप्त हुई है। अगला देख ले यहां पर क्या मिलता है। इसके अलावा यहां पर हमें बीड सेलिंग शॉप यानी मनके की दुकानें, क्योंकि भाई यहां बिजनेस हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज बिकेंगी, तो यहां पर मनके जो आपके मोतियों की तरह होते हैं, मनके, ये मनके जो है, मनके की दुकानें हमें यहां पर प्राप्त हुई है। मनके की दुकान शॉप यहां पर आपको देखने, मनके की दुकानें हमें मिली। गोदीबाड़ा है, पहला क्वेश्चन तो यही हमेशा पूछता है गोदीबाड़ा क्या है, लोथल, लोथल गोदीबाड़ा है, फारस की मुहर मिली है, मनके की दुकानें यहां पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्लियर। चलिए, मनके की दुकानों के अलावा हम देखते हैं कि भाई यहां पर नाव है, नाव आके रुक रही है, नाव अगर क्या हो रही है, रुक रही है, और नाव को कौन देख रहे हैं, बच्चे, और बच्चे जब देखेंगे तो पापा मम्मी से क्या डिमांड करेंगे, जो चीज देखते हैं उसी चीज को मांगते हैं, भाई पापा पुलिस में तो लात, पापा बंदूक लेके आओ, खिलौना, ऐसी तो बात होता है ना, खिलौना बंदूक चाहिए होता है, जो बच्चे जहां आसपास अपने परिवेश में जो देखते हैं उसी डिमांड करते हैं। तो यहां पर हमें एविडेंस के रूप में एक और चीज मिली, वह था नाव का खिलौना, नाव का खिलौना, यह भी हमें देखने को मिला।
ठीक है। इसके अलावा घोड़े की एक मूर्ति मिली है जो टेराकोटा की बनी हुई थी, ठीक है। यहां पर अगला जो चीज मिला, घोड़े की एक मूर्ति स्टैच्यू जो टेराकोटा की बनी थी, टेराकोटा की बनी हुई घोड़े की मूर्ति हमें देखने को मिली। सही बात है नहीं भाई, टेराकोटा की बनी घोड़े की मूर्ति आपको मिली। इसके अलावा अगला जो हमें मिला, कहा जाता है कि उस समय महिलाएं सती होती थी, ऐसा कुछ एविडेंस है बोलते हैं। तो यहां पर वो एविडेंस कैसा रहा, कहा जाता है यहां पर जो कब्रिस्तान मिले हैं महिला और पुरुष एक साथ दफनाए गए, यानी युगल सावधान हमें देखने को मिले। इसी को बोलते हैं क्या, कई बार लोग कि उस समय सती प्रथा चलती रही होगी लगता है। यहां पर क्या मिला हमें, युगल सावधान भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी है, कहां के एविडेंस में, लोथल के एविडेंस में, ठीक है। लोथल के एविडेंस में इतनी चीजों को ध्यान रखना है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, रंगनाथ राव ने खोजा, गोदीबाड़ा, फारस की मुहर, मनगे की दुकानें, नाव का खिलौना, घोड़े की मूर्ति, युगल सावधान, ये सब चीजें यहां पर प्राप्त हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये तीसरा जो पढ़ रहे हो गुजरात का लोथल, क्योंकि भारत में जब भी बात होती है कि हड़प्पा कालीन स्थलों की, तो सर्वाधिक जो मिली है वो मिली है गुजरात में, ठीक है। अगला जो है, फिर से हमारे पास एक प्रश्न है कि कौन सा प्लेस जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, एक है आपका आलमगीरपुर और एक हुलास। आलमगीरपुर बार बार आपके पास आ रहा है, हिंडन नदी किनारे मैंने बताया था, ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, बताइए। कूट में आपके पास तीन और चार है, तीन और चार किसमें है, इसमें है, बट एक दो तीन चार है, ये दो तीन है, एक दो है, यानी तीन चार यहां पर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आलमगीरपुर और हुलास, ठीक। चलिए अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है भाई। हल्का टेराकोटा कहां से मिला है आपको, ठीक है। ये टेराकोटा भी मैंने बताया था, टेराकोटा एक्चुअल में क्या है, मिट्टी को जब पका दिया जाता है, पकाने के बाद जो खिलौना तैयार होता है वही क्या होता है, टेराकोटा, ठीक है। मिट्टी पकाने के बाद जो होता है उसी को टेराकोटा बोला, सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, ठीक। तो हल की अगर बात हो रही है, तो हल जो मिले हैं आपको वो मिले हैं कहां, बनवाली से। और बनवाली जो स्थल है आपका ये पड़ता है हरियाणा में, बनवाली पड़ेगा हरियाणा में, ये धौलावीरा जो देख रहे हैं ये पड़ेगा आपको गुजरात में। स्थल सबसे इंपॉर्टेंट है ना, स्थल के बारे में आपको पूछता है। कालीबंगा जाएंगे, जैसे मैंने बताया था एक ऑप्शन अभी क्वेश्चन में आया था आपके पास, ये है राजस्थान में पड़ेगा, राजस्थान में। लोथल जो है आपका गुजरात में, गुजरात, ठीक है। जहां जहां नदियां हैं वो नदियों के नाम मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। यहां मोस्टली कुछ जगह जो है नदियों के किनारे नहीं है, लोथल जो है आपको नदी किनारे मिलेगा, धौलावीरा के पास कोई नदी नहीं, ठीक है। तो बनवाली जो है आपको कहां मिलेगा, हरियाणा। अगला देख लेते हैं, अच्छा ये देख लीजिए, यही है टेराकोटा का खिलौना, टेराकोटा का मिट्टी का खिलौना ही है, ठीक है। इस प्रकार के कुछ खिलौने आपको प्राप्त हुए। चलिए, मोहन जोदाड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, मैंने आपको बताया कि भाई पुरातात्विक विभाग में उस समय कौन थे, तो आप बताएंगे सर जॉन मार्शल थे, उन्हीं ने भेजा था। 1921 में जाइए और 22 में जाइए, दयाराम साहनी को भेजा और राखालदास बनर्जी को भेजा। चलिए एक अच्छा विचार करिए बोलता है ना, विचार करिए आप लोग कौन सा सही उत्तर है बताना है। तीन ठो विचारने के लिए दे दिया है आपको, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है क्या, ठीक। अगला बोलता है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों नालियों के साथ जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, हड़प्पा के लोगों को धातियों के उपयोग का पता नहीं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहां पर देखिए और बताइए। क्लियर है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए। यहां पर आप देखते हैं कि
मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, जैसे मैंने बताया ये सब क्या है, इनके प्रमुख स्थल है, ये करेक्ट है आपके पास। हड़प्पा के लोग सड़क, नाली ये सब बनाने में बहुत अच्छे से विकसित रूप से थे, यानी डेवलप था सिटी, और पहला अर्बनाइजेशन सिटी है, बार बार वही चीजें। इसके अलावा धातुओं का उपयोग, मेटल के बारे में उतना ज्यादा परिचित नहीं, यानी वही लोहे वाला ऑप्शन है, क्लियर। तो यानी ये वाला आपका क्या है, कहीं धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ठीक है। मेटल के बारे में, मेटल के बारे में देखो यहां पर पूछा क्या है उसे आप थोड़ा ध्यान दें। यहां पर एक्चुअल में पूछ रहा है कि निम्न में से सही उत्तर से ये वाला सही है, ये सही है, बट इनको टोटली धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, ये चीज नहीं बोल सकते। अगर ये बोलता लोहे का जानकारी नहीं था तो कहीं ना कहीं करेक्ट था, बट इनको हड़प्पा के लोगों को धातुओं का, धातु में तो ये लोग यूज करते हैं ना भाई, तांबा है कांसा, इसका तो यूज कर रहे थे, ये मेटल का तो यूज करना चालू कर दिए भाई, है ना। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, मतलब एक और दो सही है, इनको धातुओं का उपयोग का पता था, पता नहीं था वाली बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनको धातुओं को पता था, तांबे कांसे जानते थे, लोहे की जानकारी नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, एक और दो सही है, ठीक है, तीसरा करेक्ट नहीं। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली मैनेजमेंट की बात कर रहा है, बांध की श्रृंखला का निर्माण संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल प्रवाहित को किया जाता, ठीक है। इतना कुछ आपको कहानी जानने की जरूरत नहीं, मैं एकदम बिल्कुल एक लाइन में बता रहा हूं। कभी भी हड़प्पा में कभी बात हो, ठीक है, हड़प्पा में बात हो कि उत्तम जल व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहां के लोग अच्छा करेंगे, किस जगह के लोग अच्छा करेंगे, जहां पानी अच्छा मिलता हो या जहां पानी की कमी। तो आप बोलेंगे सर पानी की कमी होती है ना, उसी जगह पर लोग क्या करेंगे, वाटर को या जल को इकट्ठा करेंगे, या बड़े बड़े तालाब के माध्यम से, या आज के टाइम में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, वैसे उस प्रकार से इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और जहां पानी पर्याप्त मात्रा में है वो लोग तो स्विमिंग पूल बनाएंगे। तो मोहनजोदाड़ो में क्या था, स्नानागार, वहां पानी की कमी नहीं थी। बट गुजरात में आप आइए, ठीक है, यहां से देख लेते हैं, आपको ले चलता हूं मैं, ठीक। गुजरात में जब आप आएंगे तो एक स्थल मिलेगा, उसे हम कहेंगे धौलावीरा। गुजरात का एक ऐसा स्थल जो क्या है, ड्राई है, सूखा क्षेत्र है, यहां पर आसपास इसके नदी नहीं, लोथल के किनारे तो भोगवा है, इसके किनारे कोई नदी वाला क्षेत्र नहीं, मतलब धौलावीरा के लोग क्या करेंगे, जल का संचयन करेंगे। तो यहां के लोगों ने जल को एकत्रित करने के लिए नालियां बनाई, हर घरों के आसपास से जो नालियां होती थी उस जल को एक जगह ये लोग एकत्रित किया करते थे, ताकि वाटर लेवल क्या हो, रिचार्ज होता रहे, यानी जो आपका वाटर लेवल जो बना रहे और जो भूजल है वो ज्यादा ना गिरे, ठीक है। तो पानी की समस्या को दूर करने इन्होंने नालियां बनाई। तो कभी भी आपको जल से संबंधित, वाटर मैनेजमेंट संबंध से संबंधित कुछ भी आप घुमा फिरा के, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा ना आपको कि उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली, सुपथ बांधों की श्रृंखला, संबंध जलाशयों का नहर के माध्यम, इतना सब कुछ भी, कितनों भी कुछ भी लिख के दे आपको, आंख बंद करके आप एक ही ऑप्शन टिक लगाना है, वो क्या है, धौलावीरा। यही लोग थे, है ना। आपको पता होगा गुजरात में कच्छ का एक क्षेत्र है, सफेद रण, सफेद रेत वाला क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र में पड़ता है धौलावीरा, क्लियर है। तो यहां पर क्या था आपका, कि इन्होंने क्या किया था, जल को संचय करने की प्रणाली बनाई थी, बहुत अच्छा, यानी वेल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है,
और आज के टाइम में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा कहा जाता है लोगों को बार बार कि भाई आप जल को अगर बचाना चाहते हैं तो जल के लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ने घर के पानी को जो छतों का पानी उसे इकट्ठा किए थे, तो वैसा सिस्टम धौलावीरा ने पहले ही डेवलप कर लिया। इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय सभ्यता, समझ में आ रहा है अर्बनाइजेशन ऐसे ही नहीं कहा गया है सिंधु घाटी, है ना। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास ने इतनी सारी चीजें हमें दी हैं जिसे अगर हम फॉलो कर लें तो आज के टाइम में जो थोड़ा आपको मिसमैनेजमेंट दिख रहा हो उसे आप मैनेज कर सकते, इतिहास बहुत कुछ सिखाएगा। वैसी हड़प्पा है जो सिखाता है, बट लोग सीखना नहीं चाहते, कैसे करोगे। गवर्नमेंट बोलती है ना कि भाई तालाबों को बचाया जाए, है ना, तालाबों को संरक्षित किया जाए, नहरों का विकास किया जाए, बहुत सारे प्रयास करती है, बट लोग क्या है तालाबों को साल दर साल पाटते जा रहे, खत्म होते जा रहे, तालाब आपको बहुत कम देखने मिले। ठीक है, तालाब एक ऐसा सिस्टम था जो वाटर को रिचार्ज करके वाटर लेवल को बना के रखता था। ठीक है, आज तो डेली हर घर में बोर है, पानी की समस्या होना अच्छा होना है और आप देख ही रहे हो। ठीक, तो धौलावीरा ये ऑप्शन हुआ। इसके अलावा याद रखिएगा धौलावीरा एक ऐसा स्थान था गुजरात का जहां पर नगरों को, ये वाला भी क्वेश्चन आया था याद रखिएगा, सीजीपीएससी का ही क्वेश्चन है, जहां पर नगरों को सिटी को नगरों को तीन भाग में विभाजित किया गया, तीन भाग में विभाजित किया नगर को सिटी को तीन भाग में विभाजित किया गया। तीन भाग में विभाजित का मतलब होता क्या था जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, मोस्टली ये होता था कि भाई जो सिटी है उसमें जो व्यापारी या उच्च वर्ग के लोग हैं वो ऊंचे किलों विलों में रहा करते थे, किले में रहते थे आराम से, और जो मजदूर या किसान वर्ग के लोग हैं वो नीचे निचले स्थान पर रहते थे। तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र ऊंचे और निम्न स्थान में बटा हुआ था, परंतु धौलावीरा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर ऊंचा और निम्न के अलावा मध्यम एक स्थान मिला जहां पर कहा जाता है कि सैनिक रहा करते थे। तो इसी को कहा गया कि सिटी जो है, शहर जो है तीन पार्ट में डिवाइड थे, नगर जो है तीन पार्ट में डिवाइड थे, वो कौन सा था आपका धौलावीरा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन, एक आपके वाटर मैनेजमेंट से संबंधित और दूसरा है आपका शहरों से संबंधित। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक, चलिए आइए इस क्वेश्चन को तो आप बना लेंगे क्योंकि मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है, अब आपको इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, विशाल स्नानागार है या यहां पर हवन कुंड। तो यहां पर देखकर आप बता सकते हैं सिंधु नदी के तट के किनारे यही के स्थल है आपका। ठीक है, करेक्ट है, विशाल स्नानागार है, सही है भाई। और क्या नहीं है, तो अग्नि हवन कुंड यहां पर प्राप्त नहीं हुआ। ये अग्नि हवन कुंड की अगर बात करूं मैं, ये आपको लोथल में देखने को मिल जाएंगे। कहां देखने मिलेंगे, लोथल में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लोथल में मिले बट मोहनजोदड़ो में नहीं है। तो कौन से करेक्ट हो रहा हमारे पास, है ना, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है असत्य नहीं है, ये लाइन को देखिए, पूछा है असत्य नहीं है, असत्य देखिए क्वेश्चन में, देख आप सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, असत्य नहीं ये लाइन कभी आपको देगा, असत्य नहीं है इस लाइन का अगर कभी प्रयोग करें, मतलब यह पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है, यह पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। असत्य नहीं का मतलब सत्य कौन सा है पूछ रहा है, तो आपका सिंधु नदी वाला सत्य है और ये विशाल स्नानागार सही है, मतलब ऑप्शन वन एंड टू करेक्ट है। ठीक है, वन एंड टू करेक्ट है, क्लियर है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है यहां पर, इसे कर लीजिए वन और टू, ये ऑप्शन नंबर डी, इसे कर लीजिए वन और टू कर लीजिए। ठीक, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी वन एंड टू हमारा क्या है, करेक्ट, क्लियर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी, मैंने अभी बीच में ही बताया था आपको, सड़कें जो है आपको
इस प्रकार से ग्रिड आकार में देखने को मिलेंगी, समकोण में काटती थी 90 एंगल में, बिल्कुल 90 एंगल में सड़कें एक दूसरे को काटती थी, तो करेक्ट है। ठीक, इसके अलावा आपके पास है यहां पर कि भाई दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलती थी। ठीक, दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की ओर नहीं खुलती थी, ध्यान रखिएगा, ये एक खासियत थी। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने भी आपको स्थल मिले हैं, मोस्टली जो जगह होते थे या तो शहरों का विभाजन जो दो पार्ट में था, ऊपर और निम्न में, और इसके अलावा जो दरवाजे अगर हम सड़कों की ओर खोल देंगे तो इनको एक डर बना रहता था कि दरवाजे अगर सड़कों की ओर खोल दिए जाए तो बच्चे घर में है, लड़का बुद्धि, बच्चे दौड़े भागे और दरवाजा खोले और तुरंत रोड में निकल गए खेलने, और एक आध कोई गाड़ी आ गया तो कैसे होगा भाई, है ना भाई। तो इसीलिए हड़प्पा वासी इतना दिमाग रखते थे कि अपने घरों के दरवाजे या तो साइड में या तो पीछे की ओर, मोस्टली जो था पीछे की ओर, बैक साइड में लोग ओपन करते ताकि इस प्रकार से कुछ घटनाएं ना हो, या तो साइड में खोल लिया तो पीछे को, फ्रंट में लोग दरवाजे नहीं खोलते थे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, पहला तो आपका करेक्ट है बट ये वाला पॉइंट गलत है। भवन दो मंजिला थे, करेक्ट बात है भाई, यहां की भवन दो मंजिला थी, भवन दो मंजिला। ठीक, तो आपको पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य नहीं बोला है, सत्य नहीं है मतलब असत्य पूछा है, ये पूछा क्या है आपको, असत्य पूछा। तो असत्य कौन सा है भाई, यहां पर केवल दो, तो केवल दो यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तो ये क्या है आपका, असत्य है। ठीक, चलिए अगला है हमारे पास, निम्न में से सुमेलित नहीं है, बता दीजिए भाई, है ना, रंगपुर, सुरकोतड़ा, इसके अलावा आपके पास है रोपड़ और बनावली। ठीक है, यहां पर जो रंगपुर है याद रखिएगा, ये रंगपुर आपको पड़ेगा कहां, गुजरात में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, रंगपुर गुजरात में, सुरकोतड़ा गुजरात में, ठीक है, ये भी गुजरात का स्थल है, रोपड़ पंजाब का स्थल है, और बनवाली आपका कहां, हरियाणा का, ये जगह का नाम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जगह का नाम आपको पूछता है, चलो क्या क्या मिला है चेक कर लो भाई। रंगपुर जो है यहां पर ये सुमेलित है, यहां पर तीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोतड़ा एकमात्र एविडेंस पंजाब का, सॉरी गुजरात का जो है सुरकोतड़ा, यहां पर आपको एक ही एविडेंस मिला है, वो क्या है, घोड़े की हड्डी के साथ, घोड़े की मूर्ति बोलेगा तो आप लोथल टिक लगाइएगा, घोड़े की हड्डी बोलेगा तो सुरकोतड़ा को टिक लगाइएगा, डन। इसके अलावा रोपड़ जो है, रोपड़ से युगल समाधान प्राप्त नहीं हुई, ये क्या है आपका, गलत, युगल समाधान लोथल से प्राप्त हुआ। और लास्ट है बनावली, बनावली हरियाणा में, और यहां से मिला है मिट्टी का हल, मिट्टी का। तो आपको मैं बता देना चाहूं, सुरकोतड़ा सॉरी आपका रोपड़ में, रोपड़ में मिला क्या है, रोपड़ में एक्चुअल में मिला क्या है, रोपड़ नाम से देखिए, नाम में ही आपको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नाम से आप अगर समझ गए तो आपको हमेशा याद रहेगा, एक ही चीज मिला है यहां पर भी, उसको ध्यान रखिए। रोपड़ में पहला वर्ड है रो, रोना, तो कौन रोएगा, यहां पर रोया एक मालिक का कुत्ता, हुआ क्या, मालिक की डेथ हो गई, कुत्ता बिकट रोया, बहुत रोया बेचारा, मालिक मर गया, मालिक मर गया करके कुत्ता रो रहा था, लोगों को लगा मालिक चला गया है, कुत्ता भी बेचारा परेशान है, मालिक को दफना रहे हैं, उसी के साथ साथ इसको भी दफना देते, तो लोगों ने क्या कर दिया, उसका रोना बंद कर दिया, यानी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य एविडेंस हड़प्पा टाइम में रोपड़ में प्राप्त हुए। और प्राग इतिहास में अगर बात करेंगे तो बुर्ज होम में मिला है, कश्मीर में, याद कीजिए, पीछे देख सकते हैं आप रिवर्स करके, है ना भाई, इतनी सुविधा दी गई है, रिवर्स कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो रोपड़ में आपको मिले मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, रोपड़ में मिला, ठीक, रोपड़ में आपको युगल सावधान नहीं मिला, तो रोपड़ वाला गलत है। ठीक है, ये वाला रॉन्ग है, सुमेल नहीं है, पूछा है तो वही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पर, है ना भाई, विचार कीजिए पूछ रहा है, तो पहले देख लेते हैं क्या विचार करना है यहां पर। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात किया है,
फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट सही कौन सा है गलत कौन सा है। कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है भाई, इन्होंने ही तो क्या किया, कपास को खोज किया। यूनान के लोग कपास को मेलुहा बोलते थे क्या? नहीं, मेलुहा नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? सिंडोन कहा करते थे। क्या बोलते थे भाई? सिंडोन। क्लियर है? यूनान के लोग क्या बोलते थे? मेलुहा ना कहकर सिंडोन कहा करते थे। ठीक है, तो ये वाला क्या है आपका? गलत है। पहला वाला करेक्ट है, कपास के श्रेय में। कालीबंगा में सरसों की खेती के साक्ष्य मिले, ये वाला भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर टू गलत है। तो ये मेलुहा क्या थे? यूनानी लोग जो है हड़प्पा वासियों को मेलुहा कहते थे, कपास को सिंडोन बोलते थे। तो कई बार हड़प्पा सभ्यता को सिंडोन सभ्यता भी कहा गया है, सिंडोन सभ्यता, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बने। ठीक है, चलिए, तो आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है भाई? है कि नहीं अपने पास ऑप्शन भाई? एक आठ इधर उधर हो जाता है, देख लेगा, है ना? तो कौन सा अपने पास करेक्ट हो रहा है? एक और तीन, अच्छा दो में अपने मिल गया नहीं भाई, है ना? ये वाला भी करेक्ट है, बी और डी करेक्ट है, क्योंकि यहां पर दोनों में वही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर भी बी और डी करेक्ट है, एक और तीन है, एक और तीन। ठीक, चलिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा भी गलत कौन सा बता दीजिए, फिर आपके पास गलत कौन सा पूछ रहा है। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है, मात्र श्रद्धा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, योगी पद्मासन की एक मूर्ति प्राप्त हुई, युगल सावधान प्राप्त हुआ। कौन सा गलत है पहला देखिए। पहला वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था, तो हाँ माता देवी की मूर्ति ऐसी मिली है, तो जिससे ये लोग बोलते हैं कि इतिहासकार को मानना है कि हड़प्पा वासी जो है मात्र सत्तात्मक थे, तो ये पॉइंट तो हमारा करेक्ट है। संधा सभ्यता शांति प्रिय थे, तो लड़ाई झगड़ा मारपीट का कोई ऐसा जानकारी मिला नहीं है, मैंने समाज इक्वल था, इक्वल होने के कारण असमानता नहीं थी, विषमता नहीं थी, सबके पास इक्वल पैसा होता था, यानी ज्यादा ऐसा कुछ ही नहीं था, विषमता नजर नहीं आई, तो लोग शांति प्रिय थे, ये भी करेक्ट है। ठीक है, योगी की पद्मासन मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई, लाइन देखिए एकदम आप फंस जाएंगे, है ना? योगी की पद्मासन मुद्रा में मूर्ति बोला है स्टेच्यू। मैंने आपको बताया था कि जो मोहनजोदड़ो में जब गए तो पद्मासन मुद्रा में आपको मुहर में या सील में आपको एक आकृति बनी हुई मिलती है, आकृति पद्मासन मुद्रा में ऐसे तीन सर वाले, और नीचे क्या है, छोटे छोटे ऐसे जानवर हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, पशुपतिनाथ की देवता की मूर्ति मिली है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ऐसी एक सिक्के में मिला है, मुहर में ये मूर्ति नहीं है भाई, है ना? तो ये वाला क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग है, मूर्ति में नहीं भाई, सिक्कों मिला है। युगल सावधान, जी हाँ ठीक है, युगल सावधान हमें प्राप्त हुआ है, तो एक ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उसी को पूछा, फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इतना एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, चाहूंगा कि आप इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक, इसके अलावा इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा, आपको ये कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, दो तीन क्वेश्चन जो आखिरी के हैं ये आप होमवर्क के तौर पर आप ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताइएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन लोथल से संबंधित, लोथल से भी रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। ठीक है, इसका भी आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, तो आखिरी के तीन क्वेश्चन जो है यहां पर 30, साथ ही साथ 31 और 32, क्लियर? इतने क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके अलावा बीच में जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसके भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब यहां पर ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट, और जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे उसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और जब हमारी अगली क्लास होगी तो पिछले ये क्वेश्चन के आंसर बताते हुए आपको नए प्रश्नों में जोड़ा जाएगा, यानी हड़प्पा में कुछ अगर पॉइंट अगर आपके हमारे इस क्लास में बच गए हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और आज जो टॉपिक हम लोग देखे उसमें प्राग इतिहास और आद्य इतिहास दोनों के प्रश्नों को देखिए, और दोनों से संबंधित बहुत सारे स्थलों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा
हड़प्पा के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा जो है इसके बाद क्या है, समाप्त तो हो गया। हड़प्पा के समाप्त तो होने के रिलेटेड इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। कुछ ने कहा कि भूकंप आया होगा जिसके कारण हड़प्पा समाप्त हो गए, कुछ का मानना था आर्यों के साथ संघर्ष हुआ, और कुछ का मानना था बाढ़ आया होगा। और मैक्सिमम जो इतिहासकार जिस मत को लेकर चलते हैं कि भाई 1750 के आसपास अगर ये खत्म हुआ है तो ये है जो आज के टाइम में क्लाइमेट डिस्टर्बेंस जो आप देखें, क्लाइमेट जो चेंज है इसके कारण ये हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः समाप्त है। ठीक है, तो हड़प्पा से संबंधित आपको जो चीजें बताई गई उसको आपने ध्यान से समझा होगा, और कोई पॉइंट अगर आपका बचता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, उसे हम कमेंट सेक्शन में लेंगे। क्लियर? तो जो टॉप एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है ना, ऐसे ही हम क्रमवार चीजों को लेकर आते जाएंगे, और आपके साथ टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और टॉपिक के सॉल्यूशन के रूप में उसके जितने डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजों का आप ध्यान से देखिए, अपना ख्याल रखिए। हम जो अगला टॉपिक देखेंगे उसमें इसी के बाद हड़प्पा के बाद जो वैदिक संस्कृति चालू होगी, वैदिक संस्कृति देखेंगे, और जैसे मैंने बताया कि हड़प्पा की कुछ चीजें जो बची हैं उसे भी डिस्कस कर ले। क्लियर? तो यहां पर आज आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास था भारतीय इतिहास का। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैक्सिमम जितनी भी चीजें कवर हो सकती थी वह की गई हैं। आप कमेंट में बताएंगे, जितने भी आपको होमवर्क दिए गए हैं उसे आप कीजिएगा, कोई पॉइंट अगर छूट गया होगा तो पीछे रिवाइंड करके आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं, मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। इसके पहले आप चीजों को ध्यान से बार बार मैं बोल रहा हूं कि रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।